हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलुका आईएएस एंड वी आर रियली वेरी सॉरी फॉर द डिले. लेकिन आई कैन से वन थिंग, दिस डिले इज वर्थ वेटिंग एंड वर्थ वॉचिंग. बस एक ही डर लग रहा है कि कल यूपीएससी हमारे ऊपर केस ना कर दे कि क्या बात है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन कैसे आ गए. दिस इज वन प्रॉब्लम दैट वी वुड बी फेसिंग. बहुत सारे स्टूडेंट्स को या इंस्टीट्यूट्स को ये प्रॉब्लम आ रही थी, ये क्वेश्चन कहाँ से आया, पेपर मुश्किल आ गया, ये आ गया, वो आ गया, हमें उल्टा हो रहा है. Almost everything is there from the class notes. और कहने की बात नहीं है, we would be giving a direct proof of everything that has been there. हर एक चीज का आपको direct proof मिलने वाला है, ठीक है. And therefore it is important. Do wait and watch. आपने जितना expect नहीं किया होगा उससे बढ़िया होने वाला है. I can assure you this thing. आप बस हंसते जाओगे कि ये भी हो गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया. And that across all the subjects that are there. चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है, करंट अफेयर है, आपका दिल खुश कर देंगे. और एक बात और है, आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी और दूसरों की नींद उठने वाली है, इस बात की भी गारंटी है. स्टार्ट करते हैं वन बाई वन. वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चन आफ्टरनून से पहले. जैसे 9:30 से 11:30 पेपर था, कुछ तो इतने जबरदस्त थे 11:15 बजे भी फर्स्ट रिएक्शन देने लग गए. अरे पेपर तो देख लो पहले कैसा आया है. इतना ज्यादा व्यूज के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं कि दे आर ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग विद ऑलमोस्ट एवरीथिंग. 11:15 बजे ही आ गए थे लाइव, 4-5 लोग इकट्ठे हो गए. कुनबा थोड़ा ना इकट्ठा करना है, कुछ पढ़ाया है उसमें से आएगा तो वो बताओ. फिर ABCD डिस्कस करने वाले कोई लाइन लगी पई है. हमें टाइम इसीलिए लग गया बिकॉज वी आर सर्चिंग फॉर अ प्रूफ एवरीथिंग दैट इज देयर, जो और वो भी क्लास नोट्स में से. अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, तो कोई बात नहीं. नितिन, यूपीएससी लवर्स कैसे हो भाई, अपनी मम्मी को बोलो डाइपर चेंज करेगी तुम्हारे, ठीक है, और यहाँ पे आ जाना मेरे पास, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है. एंड देयर इज अ प्रूफ वीडियो ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग. तो स्टार्ट करें. नितिन, आपकी नींद उठने वाली है, ठीक है. अरे तेरे को थोड़ा ना दिखाने को बैठा हूँ, ठीक है, आ जा तू यहाँ पे आ जा. एंड स्टार्ट होने वाले हैं. और सबसे बड़ी बात है, जिससे स्टूडेंट को बदहजमी हो रही है, बिकॉज देसी की हजम नहीं होता, जिस स्टूडेंट को बदहजमी हो रही है अभी छोड़ के चले जाओ, कहीं लूज मोशन ना लग जाए, ठीक है. तो ध्यान से रहो, बहुत सब कुछ चलते रहो अच्छे तरीके से. देयरफॉर वन बाई वन हिस्ट्री का ऑलरेडी मैंने प्रूफ दे दिया था. जैसे ही फर्स्ट पेपर हुआ, हमारे पास 20 सेट है अभी हमारे पास, जैसे ही ये हुआ एंड उसके हाफ एन आवर टू 1 आवर के अंदर ही हमने ऑलरेडी फर्स्ट रिएक्शन जब वीडियो डाली थी तो वहां पे डायरेक्टली आपको प्रूफ दिया था. हिस्ट्री के ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन दैट आर देयर देयर फ्रॉम द नोट्स, एक दो क्वेश्चन छोड़ के सब क्वेश्चन डायरेक्टली क्लास नोट्स में से आए थे हिस्ट्री के. एंड आई वुड से इवन अदर्स क्वेश्चन दैट आर देयर, हर क्वेश्चन ऑलमोस्ट सीधा यहीं से है. अगर स्टार्टिंग पहला क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में से वो भी ढूंढना है. सेकंड की बात करते हैं, स्टूपा वाला है, कहां पे है, पेज नंबर 23 में डायरेक्टली दिया हुआ रेलिक्स है. एंड फॉर एग्जाम्पल सेकेंड थिंग, वोटिव रॉक एट स्टूपाज डायरेक्टली आर्ट एंड कल्चर पेज नंबर 30. दे आर बिकेम अ पार्ट ऑफ द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, मतलब पहले नहीं था. कहाँ पे, पेज नंबर 20 डायरेक्टली फ्रॉम. अगर किसी को शक हो रहा है तो ये तीनों के तीनों में फॉर एग्जाम्पल जाके जा सकता है, तो आपको देख सकता है. नेक्स्ट इज कॉरकई पूम पोहार, ये क्या है, NCERT पेज नंबर 30 डायरेक्टली दिया है. देखो पोहार और क्वारीपतम द पोर्ट ऑफ द चोलाज दैट हैज बीन देयर, डायरेक्टली क्लास नोट्स में से है. थर्ड क्वेश्चन नंबर 5, गहडवास, होयसालास, काकतियाज एंड यादवास, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज आर पार्ट ऑफ द 8th century AD. तो वहां पे पूरे का पूरा दिया हुआ, पहला NCERT पेज नंबर 17 में ये पहला दिया हुआ है, फर्स्ट थिंग दैट हैज बीन देयर. उसके बाद जब आपको मेडिवल हिस्ट्री के नोट्स हैं आपके पास, पेज नंबर 12 के ऊपर अलाउद्दीन की कंपेन के टाइम पीरियड 14th century में यादवास ऑफ देवगिरी है, वहां पे सीधा दिया हुआ है. काकतियाज फॉर एग्जाम्पल, होयसालास वहां पे फॉर एग्जाम्पल, ऑल दोज थिंग्स आर कहां पे है. एंड सेकंड थिंग, NCERT पेज नंबर 4 पे आपको चौहान और चचमांस और फॉर एग्जाम्पल वहां से ही गहडवाल्स ऑफ, फॉर एग्जाम्पल वहां पे गहडवाल्स ऑफ द वेस्टर्न UP, तो किसके टाइम पीरियड पे, चौहान रूलर्स के टाइम पीरियड, नीचे टाइम पीरियड भी लिखा हुआ है. तो यहां पे एक क्लियरली आपको पता होता है कि वहां पे है. हिंदी मीडियम के भी 100% सेम नोट्स हैं. माथुर सर इज देयर, ही वुड ऑल्सो बी डिस्कसिंग हिंदी मीडियम क्वेश्चंस है पूरे का पूरा. डू नॉट वरी फॉर हिंदी मीडियम ऑल्सो. नेक्स्ट इज लिटरेरी वर्क है, और कौन सा, देवी चंद्रगुप्त में हमीर महाकाव्य है, बलिंदा पहनू है, नीति वगैरह. यार मैं बहुत बार बोल रहा था, जैसे एंशियंट हिस्ट्री जो हमारे क्लास नोट्स है उसमें से, यार कितने बार बोला भाई इस टेबल में से आएगा ही आएगा क्वेश्चन. पिछले 3 साल के उठा के देख लो, हर साल सिर्फ इसी में से आ रहा है क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल जैसे देवी चंद्रगुप्तम है दिया हुआ है, और फॉर एग्जाम्पल नागा. नेक्स्ट इज
एंशियंट हिस्ट्री पेज नंबर 61 के सीधा मलंदा पनो भाई नागसेन सीधा दिया हुआ है एंड साथ में देव टेस्ट में था। रेस्ट फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है सोमदेव के बारे में, वो दिया हुआ है एनसीईआरटी आर्ट एंड कल्चर पेज नंबर 114 डायरेक्टली सीधा क्लास नोट्स में से है। जैनिज्म के बारे में हर चीज के सोल है कि नहीं है, कौन सा धर्म मानता है, आपके नोट्स जाके देखिए कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ उपनिषद बुद्धिज्म एंड जैन फिलोसफी सीधा वहां भी आपको मिलेगा। एंशियंट हिस्ट्री एडिशनल नोट्स है पेज नंबर 2 के ऊपर दिया हुआ है। जैनिज्म बिलीव दैट एवरीवन इन द यूनिवर्स हैज अ सोल, डायरेक्टली बिल्कुल ही क्लास नोट्स में थी, लाइन बाय लाइन ही क्वेश्चन मिल रहा है। नेक्स्ट विजयनगर रूलर के बारे में सीधा किसने तुंगभद्रा बनाया था, मेडिवल एडिशनल नोट्स दिए थे पेज नंबर 1 के ऊपर ही दिया हुआ है, वहां पे क्लियर कट है। देवराय 1 फॉर एग्जांपल ही कंस्ट्रक्टेड कहां पे है, आई वुड फाइंड इट अगेन, तुंगभद्रा सर आपको दूर से दिख रहा है तो पास से कम दिखता है, ये रहा तुंगभद्रा डैम वाज द मेन बोन ऑफ कंटेंशन दैट वाज फॉर कंस्ट्रक्टेड बाय हिम, कहां पे है मेडिवल एडिशनल नोट्स पेज नंबर 1 सीधा अगेन दिया हुआ है। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल गवर्नर जनरल कौन से, अच्छा एक ये क्वेश्चन रह गया, गुजरात किसने सरेंडर किया था, मेडिवल हिस्ट्री पेज नंबर 50 सीधा नन्ना दो कुनवा के टाइम के ऊपर ही कॉन्कर्ड दीव किससे लिया गया, फ्रॉम सुल्तान बहादुर ऑफ गुजरात, बहादुर शाह फॉर सुल्तान बहादुर शाह ऑफ गुजरात सीधा आंसर फॉर एग्जांपल आपको यहां से मिल रहा है। थैंक यू दुर्गा, लव यू। नेक्स्ट इज गवर्नर जनरल कौन सा है, हजम नहीं हो रहे मैं मानता हूं, किस कोचिंग के दलाल हो तुम ये बता दो मेरे को। एनसीईआरटी क्लास नंबर 12 सीधा है लॉर्ड बेंटिक के टाइम के ऊपर, ही वाज फॉर द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ही वाज बेसिकली मेड सीधा क्लास नोट्स में से दिया, पॉलिटी में भी ये करवाया हुआ है। नेक्स्ट इज कौन सी इंस्क्रिप्शन कहां पे है, बेसनगर इंस्क्रिप्शन एंशिएंट हिस्ट्री पेज नंबर 74 भगवतिज्म के टॉपिक के अंडर लिखा हुआ है, बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस डिस्क्राइब कृष्णा एज द सुप्रीम गॉड ऑफ भगवतिज्म, डायरेक्टली वहां पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जब यही है हम फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट इज पेज नंबर 76 फिर आता है बेसनगर इंस्क्रिप्शन ऑफ हेलियोडोरस, यहाँ पे कृष्ण वर्शिप के बारे में कंपेरेटिवली बताया गया है, अगेन डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स। नेक्स्ट एक और था वहां पे बाजा बुद्धिस्ट केव इंस्क्रिप्शन, हिनयान फेज ऑफ बुद्धिज्म कुड बी सीन कहां पे, बजा कौंडना पितलखोड़ा नासिक आर्ट एंड कल्चर पेज नंबर 44 थर्ड स्टेटमेंट था इसका सत्यनवासल जैन क्राइव आर्ट एंड कल्चर पेज नंबर 46 सत्यनवासल के बारे में फॉर एग्जांपल आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा जैन केव एट सत्यनवासल डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स। लग तो रहा है दुर्गा हजम नहीं हो रही जी तेरे को। अलेक्जेंडर री हिस्टोरियन रॉबर्ट स्वेल जेम्स वर्गसन वॉल्टर एलियट ये कौन से है, एनसीईआरटी से अगेन है एनसीईआरटी पेज नंबर 33 सीधा है। वॉल्टर एलियट किसके कॉन्टेक्स्ट में, डिस्कवरिंग ऑफ द स्टूपास अमरावती एंड सांची के टाइम पे डायरेक्टली फ्रॉम द क्लास नोट्स वहां पे है, तो ये क्वेश्चन सीधा यहां से है। नेक्स्ट इज कुछ साइंस एंड टेक के क्वेश्चन भी हैं जो आपको वहां पे अभी नेहा मैम वुड बी देयर, तो नेहा मैम आपको साइंस एंड टेक के क्वेश्चन कराने के दिल थोड़ा सा थाम लो, आई कैन अंडरस्टैंड की बाधाजमी हो रही है और थोड़ी सी बाधाजमी बढ़ाने के लिए नेहा मैम और लोक सर और वहां माथुर सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं, दिल को थोड़ा सा थाम के रखिए। हाँ जी नेहा मैम प्लीज। Good evening to all of you. I hope I am audible. First, I would like to say one thing that you all had worked very hard and relax kariye aaj and just ye dekhiye ki aapne apna jo mehnat kiya hai wo kahan aur kaise rang layi hai. So now I am going to discuss the science and tech questions and after that I am going to discuss some ECOS question. So science and tech ka the first question is about the Wolbachia method. So Wolbachia method jo hai wo kiske liye use kiya jata hai, jo hamare foundation aur jo hamare jo crash course ke student the they know very well ki humne ek disease ka chapter kiya tha and that chapter humne different types of disease ko cover kiya tha. In that there is one of the बैक्टीरिया विच वी वर टॉकिंग अबाउट द वोल्बैचिया बैक्टीरिया, इसमें हमने देखा था कि ये जो बैक्टीरिया है इसको हम कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. सो इन दिस बैक्टीरिया इवन यू नो वेरी वेल जो हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट रहे हैं, इन द क्लास मैंने PPT शो किया था, इन द PPT आई हैड शोन हाउ वी आर गोइंग टू यूज़ द वोल्बैचिया बैक्टीरिया एंड देन फिर उससे क्या होता है, उससे जो मॉस्किटोज होते हैं वो हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं. सो हमारे अकॉर्डिंग लाइक दे आर नॉट गोइंग टू स्प्रेड द डिजीज, वी नो वेरी वेल दैट देयर आर सो मैनी
अन्य वेक्टर डिजीज एंड जिसमें कि मॉस्किटोज से ही रिलेटेड डिजीज जो है फैलती हैं, लाइक द जीका वायरस, लाइक द डेंगी वायरस. सो उसमें ये हमारा जो है डायरेक्ट नोट से आपको कवर हो जाएगा. नेक्स्ट, आफ्टर दैट देर इज वन क्वेश्चन ओवर द एरियल मेटाजिनोमिक्स. सो हमने जीनोम्स जो है जीनोम सिक्वेंसिंग एंड जीनोम को कवर किया था एंड वहाँ से दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली रिलेटेड है. सो इसका ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू, इसका जो आंसर है इज गोइंग टू बी ए, कंट्रोलिंग द वायरल डिजीज स्प्रेड बाय द मॉस्किटोज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एरियल मेटाजिनोमिक्स. सो एरियल मेटाजिनोमिक्स में एज वी नो द जीनोम, जीनोम से रिलेटेड है क्या डीएनए एंड द वन इज एरियल सो विच इज रिलेटेड टू द एयर. सो इट्स आंसर इज गोइंग टू बी वन, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स. और ये हमारा जो है हमारे जीनोम सीक्वेंसिंग में जब हमने डिस्कस किया था तो उस टाइम पे हमने इसके बारे में बात करी थी. आफ्टर दैट इवन हमने पैन जीनोम, पैन ट्रांसक्रिप्टोम, इन सबको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था तो उसमें हमारे ये जो है कवर हो गए थे. आफ्टर दैट देर इज अनदर क्वेश्चन, माइक्रोसैटेलाइट डीएनए. सो हेयर आई एम गोइंग टू शो यू द क्लास नोट्स, जिसमें प्रिंटेड नोट्स भी हैं, जिसमें हैंड रिटन नोट्स भी हैं और जिसमें हम जो मैं डिक्टेट करती हूँ नोट्स उनको भी कवर किया है. सो दिस इज अबाउट द माइक्रोसैटेलाइट डीएनए. सो माइक्रोसैटेलाइट डीएनए, जब हम डीएनए के बारे में क्रोमोसोम्स कर रहे थे देन वी हैड कवर्ड द सैटेलाइट डीएनए. सो इनडायरेक्टली ये जो है क्वेश्चन आपको यहाँ पे हेल्प करने वाला था, लाइक दैट सैटेलाइट डीएनए जो है दीज आर द सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन पार्ट जो कि हमारे टेलोमियर और सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच में होता है. हेयर वी आर कवरिंग द माइक्रोसैटेलाइट डीएनए. ये सैटेलाइट डीएनए क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्टडिंग द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द स्पीसीज ऑफ द फोना. सो डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीसीज होती है या फोना होते हैं उनके बारे में जो है हम बात करते हैं. फाइन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट्स अबाउट द कार्बन फाइबर. अब कार्बन फाइबर के केस में यहाँ पर आई नो इस टाइम पे यूपीएससी ने एक 360 डिग्री टर्न दिया है जिसमें कि वी कैन से क्लियरली दैट कि जो हमारा अर्लियर वी वर लाइक यूज टू से कि एलिमिनेशन टेक्निक्स एंड आपको हजार तरह की वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल मिल जाएंगे दैट देयर आर एलिमिनेशन टेक्निक्स कि आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो. बट दिस टाइम यूपीएससी ने 360 डिग्री टर्न दिया है बट दिस क्वेश्चन वी कैन रिलाई अपॉन द एलिमिनेशन टेक्निक. और इसमें हमने क्लास में जो है कार्बन जो है कार्बन नैनोट्यूब्स, कार्बन फाइबर उनके बारे में डिस्कस किया था एंड यू कैन सी क्लास नोट्स का ये आपका स्क्रीनशॉट है जिसमें कि कार्बन फाइबर के क्या क्या यूजेस हो सकते हैं. हेयर वी कैन सी दिस कार्बन फाइबर वंस यूज कैन नॉट बी रिसाइकल्ड. तो एक बार अगर इसको यूज किया है इसको आप रिसाइकल नहीं कर सकते, विच इज अ वेरी लाइक रॉन्ग स्टेटमेंट. सो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा इट्स ए, वन ओनली. देन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इज अबाउट द एक्सीलरेटोमीटर जो है उसके बारे में है. सो इसका जो आपका आंसर है इट्स ऑल थ्री. इस टाइप के क्वेश्चन जो है इवन मैं एक सजेशन दूंगी आपको आगे के लिए भी दैट कि यूपीएससी ने 360 डिग्री टर्न दिया है, इट मीन्स दैट कि इस जो ट्रेंड को, ये जो पैटर्न है इसको मे बी वो आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये देखना होगा कि इस टाइम पे हमारे जो मैक्सिमम टॉपिक होते हैं उनके बारे में हम जो है डिटेल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है एक रिलेशन बनाए इन्फॉर्मेशन का. सो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने जेनरिक स्टेटमेंट दी है कि अगर आपको एक्सेलेरोमीटर के बारे में पता होता तो आप इसको कर पाते. इट्स आंसर इज सी, ऑल थ्री. फाइन, और ये आपको जो है यहाँ पर प्रूफ दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट इज अबाउट द रीसर्क्युलेटिंग एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर के बारे में. बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज़ में रहा था एंड बिकॉज ऑफ द बायोफ्लोक टेक्नोलॉजी जो है बायोफिल्टर के बारे में पूछा गया है एंड बायोफिल्टर ये हमने क्लास में अच्छी तरीके से डिस्कस किया था कि किस तरीके से बायोफिल्टर जो है दे कैन कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द फिश वाटर जो कि नाइट्रेट में कर सकता है एंड ये फॉस्फोरस जो है वो न्यूट्रिएंट के फॉर्म में हो सकता है. तो इसका जो आपका आंसर आ जाता है इट्स ओनली टू. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री दे हैज इट्स ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड इसका जो आंसर है इट्स वेरी इजी एंड यू कैन से डी, जापान. ईजी क्वेश्चन जो है यूपीएससी 32-35 क्वेश्चन जो है वो ईजी क्वेश्चन डालता है जिसके ऊपर आप जो है फोकस कर सकते हो एंड यू कैन रिलाई अपॉन. सो इट इज़ जापान एंड जापान का QZSS जो है उनका अपना एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है. ये हमने डिस्कस किया था वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द गगन GPS एडिट. ये हमारा जो है टू द पॉइंट साइंस में जो है हमने कवर किया था. नेक्स्ट आपका आ जाता है बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड अग्नि 5 के ऊपर. फर्स्ट स्टेटमेंट में यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी ने इन्फॉर्मेशन को जो है रिवर्स कर दिया है.
For the ballistic missile, they are saying the jet-propelled subsonic speed, and for the cruise missile, they are saying the rocket-powered only. Next, second statement में उन्होंने अग्नि 5 को बोला है क्या? It is a supersonic cruise missile, and for the BrahMos, they are saying कि it is a intercontinental ballistic missile. अब जो भी हमारे फाउंडेशन के स्टूडेंट रहे हैं, इवन जो हमारे क्रैश कोर्स के स्टूडेंट रहे हैं, उनको ये पिक्चर भी याद होगा, ये डिटेल्स भी याद होगा, और साथ ही साथ दे नो कि मैं अपना हैंड रिटन जो है पूरा परफेक्ट जो है फॉर्म में डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको पढ़ाती हूँ. सो उसमें आपने देखा है कि अग्नि क्लास के जो है सारी कंप्लीट डिटेल मैंने आपको दी थी. उसमें अग्नि 5 के लिए एज यू कैन सी इट इज़ अ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. यहाँ पर दिया हुआ है दैट इट्स अ मीडियम रेंज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल. तो सेकंड जो है आपका वो इनकरेक्ट हो जाता है. इसी के साथ साथ फर्स्ट जो है वो भी आपका इनकरेक्ट है. व्हाई? बिकॉज इन्फॉर्मेशन को रिवर्स किया हुआ है. सो इसका जो आंसर आ जाता है इट इज़ डी, नाइदर वन नोर टू. फाइन, नेक्स्ट हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद रेफरेंस टू द ग्रीन हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन जो है हमने कम्प्लीटली कवर किया था. ग्रीन हाइड्रोजन से रिलेटेड दे आर आस्किंग दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कम्बर्जन. ग्रीन हाइड्रोजन एज अ फ्यूल कैसे यूज हो सकता है? उसके साथ साथ इसको हम ब्लेंड कर सकते हैं विद द नेचुरल गैस. नेक्स्ट वी कैन, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल में भी यूज हो सकता है. तो आंसर इज गोइंग टू बी सी ऑल थ्री. एंड लेट मी शो यू दी डिटेल. हाइड्रोजन फ्यूल जो है टू द पॉइंट साइंस में हमने कवर किया था दैट हाउ हाइड्रोजन फ्यूल इज गोइंग टू यूज़, कि आपको कहाँ कहाँ इसको जो है इट कैन बी यूज इन द फ्यूल सेल. इसको आप स्पेस क्राफ्ट में भी यूज़ कर सकते हो, इसको आप स्टोर भी कर सकते हो, सर्फेस ऑफ द सॉलिड पर भी आप इसको स्टोर कर सकते हो. इसके साथ साथ हमने ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसर जो है उसको भी देखा था. इसके साथ साथ हमने ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, टर्कोइस, ग्रीन हाइड्रोजन सबका इलेक्ट्रोलाइसिस जो है प्रोसेस कैसे होता है, क्या होता है, वो सब हमने जो है अच्छे से कम्प्लीटली कवर किया था. इसी के साथ आपके साइंस के क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट होते हैं. वन थिंग आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर ऑल दोज स्टूडेंट जो आगे जो है 2024 में अपीयर करने वाले हैं, दैट कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में एक जो है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेनी है इफ़ यू वॉन्ट टू एस दिस एग्जाम, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम. और वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी वो आपको जो है कंटिन्यूस इन डेप्थ जो है अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हो तो उससे आता है. तो अगर आपको 24 अटेम्प्ट करना है तो आज आपको अपने आप को एक प्रॉमिस करना होगा दैट यू आर गोइंग टू हैव द इन डेप्थ नॉलेज ऑफ एवरी टॉपिक. वाई? बिकॉज यूपीएससी जो है कहीं से कुछ भी जो है आपको पूछ सकता है, और उसी के साथ साथ में आप जो है डिटेल्स तो देख ही रहे हैं. नेक्स्ट, सो वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द इकोनॉमी. सो इकोनॉमी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इट्स अबाउट द इनविट, द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. बट ये इनविट के बारे में नहीं पूछ रहा है. इट इज़ आस्किंग फॉर दी कि इनविट को जो है आप जो इन्वेस्टमेंट है उसको क्या और किस तरीके से जो है यूज़ कर सकते हो. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट दैट दे आर आस्किंग कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट जो है इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू देयर इन्वेस्टर, इट इज़ एग्जम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स, बट डिविडेंड जो है वो टैक्सेबल होगा. सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. सेकेंड स्टेटमेंट विच इज़ सेइंग दैट इट इज़ रिकोगनाइज एज अ बोरोवर. सो वेन एवर हमारे जो फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं दे रिमेंबर दिस थिंग दैट वेन एवर वी वर डूइंग दी बैंक रिलेटेड रिफॉर्म, वहाँ पर हम जो है रिकवरी ट्राइब्यूनल्स को कर रहे थे, एंड उसके साथ साथ हमने जो है काफ़ी सारे जो सरफेसी एक्ट है उसको भी हमने कवर किया था. सो तब हमने जो है इसको देखा था दैट कि क्या सरफेसी एक्ट का जो परव्यू है उसमें क्या और किस तरीके से हम किन किन को इंक्लूड करके चलते हैं. इसका जो क्वेश्चन, इसका जो आंसर आ जाता है दैट इज स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट वन इज करेक्ट विच इज द डी. सो एज यू कैन सी सरफेसी जो है इसमें हमने कवरेज देखा था कि क्या क्या हम इसमें कवर करते हैं, कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल नहीं होता, और IBC के अंडर किसको क्या क्या पावर दी गई है. फाइन, नेक्स्ट इज ओके. सो लेट मी शो यू दीज आर आर क्लास नोट्स जो डिक्टेटेड नोट्स होते हैं, एंड इसके साथ साथ ये स्टूडेंट्स को जो है डिक्टेटेड नोट्स भी हम अवेलेबल करवाते हैं, तो वहाँ का ये स्क्रीनशॉट है. नेक्स्ट इज द 42nd क्वेश्चन. इट इज़ आस्किंग अबाउट द सेंट्रल बैंक कि वो इंटरेस्ट रेट को हाई कर रहे हैं. सेंट्रल बैंक जो है उन सेंट्रल बैंक का जो एज वी कैन सी द टूल इन द हैंड ऑफ द सेंट्रल बैंक इट इज़ द इंटरेस्ट रेट, एंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, दे यूज टू स्टेबलाइज द मनी इन द मनी फ्लो इन द मार्केट. सो एज यू कैन सी 42nd क्वेश्चन, जो सेंट्रल बैंक है जो कि हमारी क्लास में डिस्कशन का बड़ा टॉपिक रहा है. आई यूज टू से दैट फोर टॉपिक्स फॉर द इकोनॉमी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मनी एंड बैंकिंग, एंड एज यू कैन रेप्लीकेट हेयर कि मनी एंड बैंकिंग से जो है आपके डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं.
इस क्वेश्चन में जो इसका आंसर आ जाता है दैट इज ए बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू दे आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट वन. एज यू कैन सी व्हेन वी वर डूइंग द मॉनेटरी पॉलिसी द एक्सपेंशनरी एंड द कॉन्ट्रेक्शनरी. ओके सो व्हेन वी वर डूइंग द एक्सपेंशनरी एंड द कॉन्ट्रेक्शनरी मनी पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी तब हमने देखा था दैट सेंट्रल बैंक जो है विद द हेल्प ऑफ द टूल लाइक द इंटरेस्ट रेट एंड वो इंटरेस्ट रेट भी क्या होता है द रेपो रेट. सो विद द हेल्प ऑफ द रेपो रेट वो क्या करते हैं दे यूज टू कंट्रोल द मनी फ्लो इन द मार्केट एंड दे यूज टू अचीव द मनी स्टेबिलिटी. सो नाउअडेज व्हाट आरबीआई इज डूइंग और अदर सेंट्रल बैंक आर डूइंग दे आर जस्ट हाइकिंग देयर इंटरेस्ट रेट सो दे कैन control the inflation situation and expansionary monetary policy and contractionary monetary policy mein humne ye kiya tha. I know all the some of the students they will say ki exact aap line dikhaiye but let me just tell you as I used to say in my classes foundation mein and ye main aap har student se pooch sakte ho. I used to say that for the economy you won't find some direct question but you will find indirect question jo aapki understanding se hogi and wo understanding aapko jo hai class mein milti hai so that That's why I can claim that कि from all the discussion जो मैंने आपको class में दिया है related to the contractionary and the expansionary monetary policy, you can solve this question very easily. Next question is, which one of the following activity, as I had told you earlier, that money and banking, it is a kind of a hot like topic for the UPSC, जिसको वो favorite topic मान सकते हैं और वहाँ से वो question पूछते हैं. So this question is again from the money and banking and स्टेरलाइजेशन मार्केट स्टेरलाइजेशन की बात की हुई है. इसका जो आंसर आ जाता है इट इज़ कंडक्टिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशन में हमने कंप्लीट बहुत अच्छे डिटेल में किया था दैट कि कब जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो किया जाता है आरबीआई के पास क्या टूल है एंड आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू क्या करता है. वी हैड डिस्कस दिस दैट विद द हेल्प ऑफ द ओएमओ जो आरबीआई है वो मनी सप्लाई को जो है कर्टेल करता है एंड मनी सप्लाई किसकी हेल्प से विद द हेल्प ऑफ द सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ बाइंग ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. फाइन सो नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. सो दिस इज हाउ मेनी ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल मार्केट में कौन कौन इंक्लूड किया जाता है. सो इट इज द चैप्टर 13 द फाइनेंशियल मार्केट एंड इन द फाइनेंशियल मार्केट वी हैड डन विद द मनी मार्केट एंड द कैपिटल मार्केट. इसके साथ साथ हमने देखा था डिटेल में दैट व्हाट वर द सम instruments of the money market and instrument of the capital market. So this is the class notes. इसमें हमने money market के instrument करे थे as you can see and we had done this in the detail that कि money market जो है less than one year और उसमें हम कौन कौन से जो है I hope आपको clear दिखाई दे रहा होगा कौन कौन से जो है हम उसमें instruments को use करते हैं. उसी के साथ साथ हमने as you can see stock market it is a capital market tool and with the in this stock market we are having the bonds. So bonds and stock market so the answer is only two. Call money market is again the money market instrument. Treasury bill as you can see treasury bill it is a money market instrument. So ye hamara direct jo hai question wahan se clear ho jayega. Next is consider this statement. So it is about the MSP. So MSP जो है कहाँ और किस तरीके से जो है government announce करती है. So MSP under the agriculture हमने MSP को जो है वो कैसे announce even हमने ये तक देखा था that MSP जो है किस तरीके से announce किया जाता है the A2 plus FL the C2 the comprehensive cost and complete हमने comprehensively detail में किया था that how many crops they were covered who used to announce the MSP who used to recommend the MSP price. तो ये हमने complete detail में किया था and the answer is the C all three. The third statement is very generic that tribal people जो है वो they use this seed for the cooking and the first statement it is about that MSP जो है वो cover किया जाता है या नहीं किया जाता. So as you can see this is from the class notes. Crops that are getting under the MSPs under the oil seeds you can see directly that it is written here. ठीक है सो ये आप जो है देख सकते हो. नेक्स्ट इज द क्वेश्चन 48 कंसीडर द इन्वेस्टमेंट इन द फॉलोइंग एसेट्स एंड दे आर आस्किंग फॉर द इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट. एवरी स्टूडेंट हु हैड रेड इकोनॉमी फ्रॉम मी दे नो वेरी वेल दैट आई यूज टू टीच फ्रॉम द वेरी बेसिक्स एंड इन द वेरी फर्स्ट क्लास I used to tell you about the assets and the liabilities. I know it's very basic, but I used to ensure that ki main aapko basic se complete understanding do. So under this,
यह मेरी फर्स्ट क्लास का फर्स्ट जो है वीडियो है जिसका स्क्रीनशॉट आई एम शोइंग हियर. सो फ्रॉम देयर बैलेंस शीट एज यू कैन सी एसेट्स में आई हैड कवर्ड द कैश इन हैंड द बैंक बैलेंस डेटर द प्लांट मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग इन्वेस्टमेंट द इन्वेंट्री एंड इवन गुडविल जो है उनके बारे में बताया था. कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको बताया था दोज हु आर द बेसिक टेंजिबल एसेट्स दोज हु आर द इनटेंजिबल एसेट्स एंड उसी की हेल्प से आपका ये जो है क्वेश्चन हो जाना था. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि कंप्लीट आपको वर्ड्स लाइक मेलिंग लिस्ट ऑफ द क्लाइंट्स इस तरह की चीजें आपको नहीं मिलेंगी. जो अगर आप सोच भी रहे हैं कि आपको उसी तरीके से मिले तो फिर तो आपको यूपीएससी के लिए जो है बेसिक प्रिपेयर करना ही नहीं चाहिए. यूपीएससी इज अबाउट हैविंग द नॉलेज एंड देन सस्टेन दैट नॉलेज देन हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंडरस्टैंडिंग यू नीड टू अप्लाई. सो एज यू कैन सी इन्वेंट्री ये क्या है टेंजिबल में आ जाता है तो टू तो नहीं होने वाला है. ब्रांड रिकॉग्निशन यू नो कि गुडविल के बारे में मैंने करवाया था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में करवाया था तो वन एंड थर्ड एंड फोर्थ जो है दीज आर गोइंग टू बी द इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट तो इसका आंसर आ जाएगा सी ओनली थ्री. नेक्स्ट आपका आ जाता है इंडिया अकाउंट फॉर 3.2% ऑफ द ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट में इन द चैप्टर ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट वी यूज टू डू द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट. सो इन द करंट अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट वी यूज टू डू द एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स. और तब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था दैट कि इंडिया जो है टोटल लाइक वर्ल्ड का 1.57% के आसपास जो है दे यूज टू एक्सपोर्ट एंड द फर्स्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वेरी जेनरिक. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट जो जहाँ पर आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हो लाइक 3.2% यूपीएससी जो है टर्म्स के साथ खेलता है. सेकेंड स्टेटमेंट मैनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरन कंपनीज दे ऑपरेटिंग इन इंडिया सो प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से रिलेटेड है. सो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट सो डी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट एज यू कैन सी कि यहाँ पर आपका जो है ये डेटा अवेलेबल है. नेक्स्ट इज अबाउट द MSMEs. सो MSMEs का when we were talking about the industries तो हमने MSME को डिस्कस किया था और हमने एक टेबल के साथ देखा था दैट MSME जो है उसका डेफिनेशन बाय डेफिनेशन जो है उसका लिमिट को रेज कर दिया गया है. सो नाउ इट इज 50 करोड़ एंड सम हाउ बिटवीन द 250 करोड़. नेक्स्ट इज अबाउट द ऑल बैंक लोन्स टू द MSMEs अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर. अंडर द बैंकिंग रिफॉर्म्स वी हैड डन विद ऑल द बैंकिंग स्ट्रक्चर. सो इन दैट बैंकिंग स्ट्रक्चर वी वर डूइंग द कमर्शियल एज वेल एज द कोऑपरेटिव एंड सम नॉन बैंक जिसमें हमने कवर किया था. इन एवरी बैंक हमने कवर किया था द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग हाउ मच परसेंट एंड वट काइंड ऑफ सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर दिस प्रायोरिटी सेक्टर. सो उसमें हमने इसको कवर किया था एंड इसमें जो आपका जो स्टेटमेंट वन है दैट इज इनकरेक्ट टू इज करेक्ट एंड द आंसर इज बी टू ओनली. नेक्स्ट इज अबाउट द डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. सो CBDC जो है ये हमने कवर किया था इन द टू द पॉइंट ईको एंड इन द CBDC हमने देखा था दैट हाउ CBDC इज गोइंग टू हेल्प. सो CBDC इज गोइंग टू बी अ लीगल टेंडर एंड यू नो वेरी वेल दैट की जो लीगल टेंडर है इट मीन्स दैट नो वन कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दैट. सो इफ नो बडी कैन डिनाई टू एक्सेप्ट दैट देन इन दैट केस वट द सेकेंड स्टेटमेंट इज सेइंग दैट इट विद अ कंडीशन प्रोग्रामड इट सच अ टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट. सो देर इज नो टाइम फ्रेम फॉर स्पेंडिंग इट. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सो वी आर लेफ्ट विद द वन ओनली. सो आंसर इज ए वन ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके. सो वी आर डन विद द ईकोस क्वेश्चन. सो नाउ आई वुड लाइक टू ओके. सो थैंक यू सो मच. सो ओके. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द पॉलिटी क्वेश्चंस. थैंक यू.
गुड इवनिंग एवरीवन. और फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस उन बच्चों को जिन्होंने आज पेपर में अच्छा किया, एंड ऑल द बेस्ट उनको जो नहीं कर पाए और इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं. देखो भाई, एज आई वॉज वॉचिंग द कमेंट्स, कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही परेशान हैं. भाई अगर आपको ये लगता है कि हमारे नोट्स नहीं आया या हमने अभी ऐड कर दिया, जैसे कुछ कमेंट्स कर रहे थे यूपीएससी लवर दिस एंड दैट, पहले तुम अपने सही नाम से आ जाओ. और दूसरी बात, अगर आपको सच में ये लगता है कि हमारे नोट्स हैं, जस्ट विजिट आवर इंस्टीट्यूट और हमसे नोट्स मत मांगो. हमने उसमें एडिटिंग की होगी ना. जो बच्चे 6 महीने से 8 महीने से पढ़ रहे हैं उनसे नोट्स मांगो और जो पेज नंबर हम क्लेम कर रहे हैं उसको देखो. देन आफ्टर दैट यू शुड आस्क अस अ क्वेश्चन. उसके पहले नहीं. इफ यू आर बिलीविंग, तुमको अगर आपको ये लगता है कि नहीं कुछ नहीं आया है तो भाई आ जाओ. देखो यूपीएससी के भी जो टीचर्स हैं किसी और गोले से नहीं है जो पेपर बना रहे हैं, उन्होंने एक प्रॉपर सिलेबस दे रखा है. हम वो पूरा सिलेबस कवर कराते हैं. दैट्स वाई वी आर द ओनली इंस्टीट्यूट जो 1500 घंटे की क्लास देते हैं. बाकी लोग 800, 900, 1000 घंटे, 1200 घंटे में खत्म हो जाते हैं. हम 1500 घंटे की क्लास देते हैं. दैट्स वाई वी आर एबल टू क्लेम द क्वेश्चंस कि हाँ भाई ये हमने क्लास में पढ़ाया है. अगर आपको विश्वास ही नहीं करना है तो देखो भाई बहुत सी दुकानें, कहीं जाके डिस्कशन देख लो. बट डोंट डिग्रेड, डोंट यूज डिग्रेडिंग वर्ड. आई एम सेइंग दिस कि जो आप तब से परेशान हो, कुछ लोग मैं कमेंट्स देख रहा था तब से परेशान हो. देखो चार लाइन में तुम लोगों को सुना दूं. दुनिया मोहब्बत को मोहब्बत नहीं देती, पुरस्कार तो छोड़ो कीमत नहीं देती. और देने को मैं भी दे सकता था तुझे गाली, लेकिन मेरी तहजीब इसकी इजाजत नहीं देती. पढ़ाई डिस्कशन हो रहा है, मानना है नहीं मानना इट्स योर चॉइस, बट डोंट यूज डिग्रेडिंग वर्ड्स इन द कमेंट सेक्शन. देखो अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं आया, आप आइए हमसे नोट्स मांगिए, क्लास के किसी बच्चे से नोट्स मांगो और वो पेज नंबर खोल के देख लो. और कुछ बच्चों का था एनसीईआरटी को लेकर, तो एनसीईआरटी को लेकर जो प्रॉब्लम है, हमने एनसीईआरटी पर हमने साइनोप्सिस बना रखे हैं और उसमें अपने पास से ही वैल्यू एडिशन कर रखा है. हम उसको क्लेम कर रहे हैं. वी आर नॉट क्लेमिंग द एनसीईआरटी विच आर पब्लिश बाय द नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग. हम जो अपनी एनसीईआरटी हमने साइनोप्सिस बना रखे हैं, हम उससे क्लेम कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस बुक से आए हैं. तो लेट्स स्टार्ट द फर्दर डिस्कशन. देयर इज क्वेश्चन नंबर 18 एंड इट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्व. अब इसमें क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं एंड दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी रिजर्व. अब द फर्स्ट लाइन इज द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. यस, पूरी तरह से करेक्ट स्टेटमेंट है. नीचे हमने इसको डिस्कस किया है, यहाँ नोट्स में है. और देखो कुछ चीजें क्या होती हैं, हम क्लास नोट्स में देते हैं और कुछ उससे एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्लास में लिखवाते हैं. इसीलिए हम जो नेहा मैम डिस्कस कर रही थी बहुत बार, उन्होंने क्लास नोट्स की पिक्चर्स दी थी टू प्रूव कि कुछ चीज़ें हमारे बुक में हैं जो हमने क्लास में प्रोवाइड की हैं, जो नोट्स दी हैं, और कुछ चीज़ें हम क्लास में लिखवाते हैं. दोनों को मिक्स करने के बाद हम क्लेम करते हैं कि हाँ भाई देखो हमने पढ़ाया था और उससे क्वेश्चंस आए हैं. सो हुएवर हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन कम एंड जस्ट गो विथ आवर नोट्स. तो 18 नंबर, द चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम द गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट. यस, होता है ये. नेक्स्ट इज हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया. हाँ, नहीं अलाउड है. पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी कर सकते हैं यूज. पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. नो, द आंसर इज ओनली 3. सी इज द आंसर. गोइंग टू द नेक्स्ट. India, despite having uranium deposit, depends on the coal for most of electricity production. देखो इंडिया में झारखंड, जादोगुड़ा, कुछ हिस्से ललितपुर में कई जगह यूरेनियम डिपॉजिट्स हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उसे यूज नहीं करते. रीजन इज उसका इनरिचमेंट की कॉस्ट जो है और न्यूक्लियर पावर प्लांट के लगाने की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं. तो पहला स्टेटमेंट सही है. Uranium enriched to the extent of least 30% is required for the production of electricity. No, it's not 60%. It's just 5% enrichment करके हम उससे use कर सकते हैं. किसमें? We can use it in the formation of electricity. तो ये option गलत हो जाता है. C would be the answer. Statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. और ये पूरा हमने coal, nuclear energy resources, इन सब में पूरा का पूरा detailed कवरेज कर रखा है नोट्स में. अभी भी आपको अगर प्रॉब्लम हो, यू कैन कम विथ अस, आओ
बच्चों से नोट्स मांगो, पेजेस ओपन करो, जिन पेजेस पे हमने लिख रखा है ना मिले तो बताओ, हमसे मत मांगो, बच्चों से नोट्स मांगो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन द इंडिया। मार्सुपियल्स पहले क्या होते हैं, तो मार्सुपियल्स ये भी देखो हमने डिस्कस कर पूरा, आर द ग्रुप ऑफ मैमल्स कॉमनली थॉट ऑफ ए पाउच मैमल्स, जिनके बच्चे होने के बाद उन बच्चों को उनके पेट में एक थैली होती है जिसमें वो कुछ समय तक रखते हैं, ऐसे जीवों को हम कहते हैं मार्सुपियल्स। तो पहला स्टेटमेंट है मार्सुपियल्स आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, बिल्कुल नहीं, इंडिया में नहीं पाए जाते। यू नो वेल कैंगरू कोआला ये जीव इंडिया में नहीं पाए जाते हैं, पहला स्टेटमेंट तो सही है। मार्सुपियल्स कैन थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रासलैंड विथ नो प्रेडेटर। देखो ये एक्सट्रीम साइज स्टेटमेंट हो गया, ओनली और कहां करा, माउंटेन ग्रासलैंड, माउंटेन ग्रासलैंड मतलब ठंडे प्रदेश, जबकि कहां पाए जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में। क्या ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ठंडा है? नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से ठंडा नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट वुड बी करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग। ये पूरा कवरेज है, कौन कौन से लिस्ट ऑफ कॉमन मार्सुपियल्स हैं, क्या क्या चीजें, पूरा का पूरा कवरेज है। तो यहां से क्वेश्चन है, नेक्स्ट कंसिडर द फॉलोइंग फौना, कुछ एनिमल्स के बारे में क्वेश्चन है, एंड द फर्स्ट इज लॉयन टेल्ड मकाउ। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल क्या होता है, वी यूज टू डिस्कस ड्यूरिंग द लेक्चर। नॉक्टर्नल वो होते हैं जो रात के समय निकलते हैं, तो इसीलिए कहते हैं हाउ मेनी ऑफ एबव आर जनरली नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट। और उसमें लॉयन टेल मकाउ दे आर, वो दिन में भी आपको मिल जाएंगे। मालाबार सीबेट जो है, दिस इज हियर मालाबार सीबेट, विवेरा सीविटिटिया जिसको कहते हैं, एंडेमिक टू इंडिया, वाज फर्स्ट रिपोर्टेड फ्रॉम त्रावणकोर, इट इज नॉक्टर्नल नेचर एंड फाउंड एक्सक्लूसिवली इन वेस्टर्न घाट। तो इस पे हमने डिस्कशन कर रखा, और ये बात देखो यहाँ लिखी हुई है, इफ एनीवन सेज कि नहीं, जस्ट कम एंड गो थ्रू आवर नोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाता है द सांबर डियर इज ऑल्सो ए नॉक्टर्नल, 2 and 3, एंड आंसर हो जाता है ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एरोसॉल्स फोम एजेंट्स फायर रिटार्डेंट्स लुब्रिकेंट्स इन मेकिंग अप हाउ मेनी ऑफ द एवव आर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज्ड। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहां कहां यूज होता है, तो जब पॉल्यूटेंट्स की बात आती है, जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बातें आती है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बाद ही हमने क्या यूज, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या, किस पे रोक लगाई थी, हमने रोक लगाया था सीएफसी पर, और सीएफसी के बाद हम लेके आए थे एचएफसी। ये क्वेश्चन पूछा गया एचएफसी से रिलेटेड, एरोसॉल में भी एचएफसी होते हैं, फोम एजेंट्स जितने भी होंगे, देखो फोम एजेंट ही बहुत सारे होते हैं जो आग बुझाने में काम आते हैं, एंड दे आर ऑल्सो यूज एज लुब्रिकेंट। सारे के सारे स्टेटमेंट्स हैं, ये देखो यहाँ साफ है, दैट इज इन्वायरमेंट पेज नंबर 259, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आर यूज एज रेफ्रिजरेंट, एरोसॉल प्रोपेलेंट, सॉल्वेंट, फायर रिटार्डेंट, सारी बातें यहां क्लियरली लिखी हैं। अब इसके बाद भी अगर विश्वास नहीं करना, इट्स योर चॉइस यार, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट्स योर चॉइस, दैट प्योरली योर चॉइस, बट डोंट डिग्रेड एनीवन्स एफर्ट। वी द टीम ऑफ मलुका आईएएस आर वर्किंग हार्ड फॉर आवर नोट्स, फॉर आवर मटीरियल। और देखो जब यूपीएससी ने एक सिलेबस दे रखा है, ट्रेंड है यूपीएससी का कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पर अगर प्रॉपर रिसर्च किया जाए तो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आ सकते हैं। हम कभी ये क्लेम नहीं करते 100%, वो पॉसिबल नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, कभी कोई क्लेम नहीं कर सकता है। और ये भी नहीं क्लेम होता कि नहीं सब कुछ हमारे हमारे नोट्स से लाइन बाई लाइन अगर, लेकिन जब दो बातें मैं कह रहा हूं, एक क्लास नोट्स जो हमने प्रिंटेड दिया और जो क्लास में लिखवाते हैं, जब उन दोनों को मर्ज करोगे, बाकी जो क्लास में डिस्कशन देते हैं इन सबको मिलाओगे, आप अगर ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे, यू विल गेट, there will be around 70 questions. Okay, next, Jhelum River passes through Wooler Lake. Yes, Jhelum River जो है Wooler Lake से गुजरती है, that's very very true, सबको पता है। Second जो option है, इसको लेकर पूरी जो क्या कहते हैं community है, जब से paper हुआ तब से confusion है कि Krishna River directly feeds the Kuleru Lake, लेकिन अगर आप एक्चुअल में वहां की टोपोग्राफी को समझोगे तो कृष्णा जो कुलेरू लेक है, इसको दो रिवर्स हैं जो सीजनल रिवर्स हैं, एक का नाम है बडामेरू और एक का नाम है तमिलनेरू। बडामेरू एंड तमिलनेरू, ये दोनों नदियां सीजनल रिवर्स हैं जो कुलेरू में जाती हैं, और उसके बाद ये कुलेरू
कुलेरू लेक से जो वाटर निकलता है वो कृष्णा में जाता है, तो कुलेरू से कृष्णा में जाता है, कृष्णा नदी का पानी उसमें नहीं जाता है, तो सेकंड स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, सेकंड रॉन्ग हो जाएगा, पहला तो सही है। अब थर्ड स्टेटमेंट को लेके भी बड़ा पूरे यूपीएससी कम्युनिटी में दुनिया भर का डिस्कशन चल रहा है कि भाई मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फॉर्म्ड कन्वर लेक, कन्वर लेक जो बिहार के कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां से ये कन्हैया कुमार इलेक्शन लड़ा था, देखो उसको मिनी मॉस्को भी कहते हैं, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, वहां है ये कन्वर लेक। अब गंडक रिवर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देयर इज अ रिवर गंडक एंड देयर इज अ बूढ़ी गंडक, दो रिवर्स हैं गंडक और बूढ़ी गंडक, जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है उसने टर्म यूज किया है बूढ़ी गंडक, ठीक है, उस बेसिस पे आंसर हो जाएगा गलत, लेकिन कुछ जगह पे गंडक को ही सही मान रहे हैं, तो नाउ इट्स ऑन यूपीएससी, यूपीएससी इसको गंडक ही मान, गंडक को बूढ़ी गंडक को एक ही रिवर मान रही है या अलग अलग मान रही है, क्योंकि नॉर्मली ये दो अलग अलग नदियां बरसात में जब जलस्तर बढ़ता है ये दोनों आपस में मिल जाती है, तो अब यूपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मानेंगे, अगर इसको भी गलत मानते हैं तो आंसर होगा ओनली ए, अदरवाइज द आंसर विल बी ओनली टू, दो स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये भी इसका डिस्कशन जितना क्लास में हुआ है सब कुछ हमने यहां दे रखा है, इंडियन ज्योग्राफी पेज नंबर 47 एंड इंडियन ज्योग्राफी पेज नंबर 35। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 32, कामराजार पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज कंपनी, यस बिल्कुल सही है, सर ने मलुका सर ने जब मैपिंग की क्लास ली थी तो मैपिंग की क्लास में इसे डिटेल में एक एक पोर्ट्स को कवर कराया था, मैंने भी जब ज्योग्राफी के टाइम में मैपिंग की क्लासेस ली हैं उसमें भी इस टॉपिक को कवर कराया, मलुका सर में दो बार ये कवरेज हुआ था पोर्ट्स के बारे में, मुंद्रा पोर्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था और एक्सपेक्टेड टॉपिक था कि इसके इर्द गिर्द कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा, लार्जेस्ट प्राइवेटली ऑन पोर्ट इंडिया, दैट्स वेरी ट्रू, बिल्कुल सही है, सबसे बड़ा पोर्ट है ये, वाइजेक पोर्ट के बारे में कह रहा, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट, रॉन्ग स्टेटमेंट है, द लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इज पंडित जवाहरलाल नेहरू या जिसको हम कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट या जिसको हम कहते हैं नवाहा सेवा पोर्ट विच इज इन मुंबई, तो दिस स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट, ओनली टू पेयर विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक फ्रूट आर्टोकार्पस हेट्रिफिलस महुआ मधुना इंडिका एंटीक टेक्टोना गैंडिस, अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा है इसमें से कौन से डेसिडियस ट्री है, अब इस पे कह दोगे सर ये कोई कैसे बता सकता है, देखो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट डेसिडियस ट्री क्या लिखा है, टीक और इधर आपका मिल जाएगा महुआ, अब कह दो नहीं ये भी फर्जी है, कह दो ये भी फर्जी है, ज्योग्राफी पेज नंबर 89, तो भाई आपको विश्वास नहीं करना है आप कहीं और चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा जैकफ्रूट जो है, जैकफ्रूट इज अ, जैकफ्रूट क्या है, दैट इज एवरग्रीन प्लांट, दैट इज एवरग्रीन प्लांट, ये दोनों बिल्कुल सही है, दैट इज एवरग्रीन प्लांट, ओनली टू विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इंडिया हैज मोर एरेबल एरिया देन चाइना, ये क्वेश्चन मैंने ही कई बार क्लास में डिस्कस किया है, जब भी मैं इंडिया चाइना का कोई कंपैरिजन करता कि देखो भाई इंडिया और चाइना में क्या क्या चीजें एक जैसी हैं और क्या क्या चीजें डिफरेंट है, व्हेनेवर आई यूज्ड टू डिस्कस दिस मैंने इस पे बात की है, दिस आई कैन गारंटी, और जो बच्चे पढ़े हैं वो उनका मैसेज आया कि सर कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप किसी टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन करते थे वहां से आए और हमने बनाए भी हैं, कई बच्चों के मैसेज आए, तो इंडिया हैज द मोस्ट एरेबल एरिया देन चाइना, यस ज्यादा क्षेत्र में हम कृषि करते हैं, द प्रोपोर्शन ऑफ इरिगेटेड एरिया इज मोर इन इंडिया एज कंपेयर टू चाइना, रॉन्ग, इंडिया में 43% है चाइना में 50% से अधिक है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, द एवरेज प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इन इंडियन एग्रीकल्चर इज हायर देन चाइना, नो, चाइना में तो 70% लोग ही एग्रीकल्चर करते हैं लेकिन वहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि हाईली मैकेनाइज्ड है और क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर वगैरह का यूज बहुत ज्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ओनली वन इज द करेक्ट, ए इज द आंसर, ओनली वन इज करेक्ट, ए इज द आंसर, मैपिंग में इसे भी किया गया है। 35, अब ये क्वेश्चन भी जब भी मैपिंग कराई जाती है, जब भी हम मैपिंग कराते हैं मैपिंग में हम बताते हैं कि जो इंडिया का कोस्टल एरिया है द
दिस वन इज कोस्ट ऑफ सबमर्जेंस. इधर का जो बना है नीचे हिस्सा धस गया, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका द्वारिका है. और इधर का जो है दैट इज कोस्ट ऑफ इमर्जेंस. अब जब इसको पढ़ोगे लाइन को तो दिया क्या है, एग्जाम्पल ऑफ रिपीटेड फॉल इन सी लेवल. जब रिपीटेड फॉल इन सी लेवल होगा तो रिपीटेड फॉल इन सी लेवल से क्या होगा, इमर्जेंस, हिस्सा बाहर निकल गया, उसको कहते हैं कोस्ट ऑफ इमर्जेंस. ये समझ में आ गया, गिविंग राइज टू द प्रेजेंटली. अब देखो ये तीनों इसमें से ये तो पहले ही हट गया, ये तो हट गया क्योंकि ये वेस्टर्न कोस्ट पे हट गया. अब इन तीनों में भी तीनों के तीनों कहां है, ईस्टर्न बाउंड्री पर ही है. लेकिन अब क्वेश्चन जो था कैसे बनेगा, प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड. देखो बार बार मैं क्लास में कहता हूं कि यू शुड अपग्रेड योर सेल्फ. बार बार कहता हूं खुद को थोड़ा सा अपग्रेड करो, थोड़ा सा अपने लैंग्वेज पे काम करो. क्योंकि अगर लैंग्वेज आपकी अच्छी नहीं, बहुत बार क्वेश्चन समझ आते हुए क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आते हुए क्वेश्चन भी नहीं बना पाओगे. तो प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मतलब इसमें से सबसे बड़ा, और इसमें सबसे बड़ा है दैट इज भीतर कनिका मैंग्रोव. कितनी बार क्लास में मैपिंग के टाइम इस पर चर्चा की गई है कि ऑलवेज बी फोकस, और चीजों को कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन ये बनाते रहते हैं, दे कीप मेकिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 36, एल्मेनाइट एंड रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन सर्टेन कोस्टल ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिया आर रिच सोर्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. देखो अब इसका एल्मेनाइट रूटाइल डिस्कस नहीं हुआ, लेकिन एल्मेनाइट की बात करूं, ये हमने डिस्कस किया है कि जो मोनाजाइट और एल्मेलाइट होती हैं बीच सैंड, या जिनको हम केरला और तमिलनाडु में पाए जाते हैं, और ये थोरियम, थोड़ी मात्रा में यूरेनियम, और ऐसे और जो तत्व हैं जैसे कि टाइटेनियम, उसका भी स्रोत है. थोरियम तो मिलता है, उसके साथ कुछ मात्रा में प्लूटोनियम, ये सारी चीजें मिलती हैं. द आंसर इज टाइटेनियम. द आंसर इज टाइटेनियम. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये मैप वर्क में कुछ दिन पहले ही मैंने भी डिस्कस किया, जब ज्योग्राफी पढ़ा था, सर जो अपनी अलग क्लास देते उसमें भी डिस्कस किया था. अबाउट 3/4 ऑफ वर्ल्ड कोबाल्ट इज अ मेटल रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ बैटरी फॉर इलेक्ट्रिक मोटर व्हीकल प्रोड्यूस्ड बाय कौन करता है. तो 70% जब भी मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में बताता हूं, आई यूज टू से कि कोबाल्ट की जब बात आए तो हमेशा याद रखिएगा दैट इज DRC, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जहां 70% कोबाल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम DRC. वेरी बेसिक क्वेश्चन. जब भी मैं चर्चा करता हूं कोबाल्ट की, व्हेनेवर आई डिस्कस अबाउट द सिल्वर की बात करता हूं तो बताता हूं मैक्सिको याद रखो, और कॉपर की बात करता हूं तो चिली याद रखो, हमेशा ये डिस्कशन में होता है, ये क्वेश्चंस होते हैं. नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस तभी कुछ दिन पहले ही क्लास में डिस्कशन के दौरान बताया गया था, क्रैश कोर्स में हुआ था, जब हमने कांगो बेसिन की बात की थी. जो अफ्रीका है, अफ्रीका का जो ये हिस्सा है, दिस वन इज नोन एज कांगो बेसिन. अब अगर इन कंट्रीज की लोकेशन को देखोगे, कैमरून, नाइजीरिया, साउथ सुडान एंड युगांडा, आपको नाइजीरिया यहां मिलेगा, ये हिस्सा कांगो बेसिन, नाइजीरिया यहां मिलेगा, साउथ सुडान यू विल गेट हियर, युगांडा यू विल गेट हियर, लेकिन कैमरून जो है आपको इस रीजन में मिल जाएगा, एंड दैट्स व्हाई आंसर इज कैमरून. वेरी बेसिक मैप बेस्ड क्वेश्चन, वेरी बेसिक. अब अगर हम बार बार किसी चीज को पढ़ा रहे हैं और आप करने को ही नहीं तैयार हो, देन इट्स नॉट आवर फॉल्ट. ये हमारी गलती नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा भाई बार बार. ये जितनी बार मैंने, चाहे वो कन्वेक्शनल रेनफॉल पढ़ाया होगा, चाहे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में बात की होगी, या जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट अलग से पढ़ाया होगा, बार बार डिस्कशन किया भाई देख लो ये हिस्सा आपका है कांगो बेसिन, और वहां 6-7 देश लगते हैं, उनके बारे में जान लो. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. ये भी फिर एक मैपिंग से क्वेश्चन है. इंडिया की मैपिंग कितनी बार करा रखी है, कितने बार जब इंडिया शुरू होता है तब, जब हिल्स के बारे में बात करते हैं तब, जब पेनिनसुलर प्लेटू की बात होती है तब चर्चा करते हैं इस पे. अमरकंटक हिल्स आर एट कन्फ्लुएंस ऑफ विंध्यन एंड सह्याद्री रेंज. अब यहां समझने के लिए प्रॉब्लमेटिक कहां से हो गया सर, कहां से मामला फंस गया. देखो यहां ये विंध्यन है, अमरकंटक की पहाड़ियां यहां है, ये विंध्यन. किसी भी बच्चे से उठा के पूछ लो, कम से कम 5-6 बार ये क्लास के दौरान होता है, ये है विंध्यन, ये है थोड़ा, ये सतपुड़ा बन गया, ये विंध्यन, ये अमरकंटक. सह्याद्री रेंज किसे कहते हैं, तो पश्चिमी घाट को कहते हैं. तो कोई तो मेल ही नहीं, तो फर्जी बात हो गई, कैंसिल आउट करो. सेकंड कहता है
बिलिले रंजन हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ सतपुड़ा. बिलिले रंजन कर्नाटका में है, तो कैसे हो जाएगा सर? बाबा उदान पहाड़ियों के पास पड़ता है, स्टेटमेंट ये भी फर्जी है. सेस्चलम हिल्स कॉन्स्टिट्यूट द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट. सेस्चलम हिल्स जो है दैट इज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट, नॉट ऑन द वेस्टर्न. तो सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, नन इज द आंसर. कोई भी बच्चा जो मेरी क्लास किया होगा या मल्लिका सर की मैपिंग की क्लास किया होगा, दिस क्वेश्चन वुड बी अ केक वॉक. सर इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, बस हम उन्हें उस तरह से पढ़ते नहीं हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरा सतपुड़ा रेंज और सारी चीज इनके बारे में, अमरकंटक कहाँ है ये इसका डिस्कशन भी है, मैपिंग जो कराया हमने अलग से कराया है. नाउ इट्स ऑन यू कि आप पढ़ाई कितनी करते हो. ये क्वेश्चन देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियाज प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी कंसिडर द फॉलोइंग. अब ये ऐसा क्वेश्चन है सब कोई पढ़ाते हैं, हर कोई. अब इतना भी अगर नहीं पढ़ाएंगे यूपीएससी में तो कोई मतलब नहीं है. ईस्ट वेस्ट वेस्ट कॉरिडोर गोल्डन क्वाड्रिलेटर प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत. गलत चीज है. कहां से कनेक्ट करता है? इट कनेक्ट्स पोरबंदर, पोरबंदर टू सिलचर. सबने पढ़ा होगा, हर एक टीचर लगभग पढ़ाते हैं पोरबंदर टू सिलचर. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर. ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट मोरे इन मणिपुर एंड जस्ट अ मिनट मोरे इन मणिपुर एंड चियांग मै इन थाईलैंड वाया म्यांमार. म्यांमार बिल्कुल सही है, बट द थिंग इज ये चियांग मांग नहीं है, दैट इज मायसोत. ठीक. थर्ड, बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसपे बात चल रही थी, आईआर में इस पर डिस्कशन हुआ है, मैपिंग में डिस्कशन हुआ है, इंटरनेशनल रिलेशन में डिस्कशन हुआ है. इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी उत्तर प्रदेश, वाराणसी नहीं कैलकटा को कनेक्ट करता है, इसलिए स्टेटमेंट ये हो जाता है गलत. तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत हो जाते हैं. इसका कहोगे सर प्रूफ, देख लो भाई BCIM कॉरिडोर IR में ये पूरा इस पे डिटेल डिस्कशन हुआ है एक एक चीज, और प्लस मैप वर्क जो कराया वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात है, प्लस करंट अफेयर में भी चीजें कवर हुई हैं. ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं. विथ रेफरेंस टू अर्थ एटमोसफेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? तो क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं. द टोटल अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड एट द इक्वेटर इज रफली अबाउट 10 टाइम पॉसिबल ही नहीं है, इतना भी ज्यादा डिफरेंस नहीं होता पोलर एरिया इक्वेटोरियल एरिया में, दैट इज 2%. द स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग. इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 ऑफ इंसुलेशन. अब ये कहोगे सर ये भी पढ़ाया है, देख लो भाई क्लास की वीडियो का स्क्रीनशॉट है, किस तरह से दृश्य तरंगे कौन सी हैं, अदृश्य तरंगे क्या है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, एक्स रेज वाई. अब ये तो नहीं तुरंत रिकॉर्ड किया होगा ना, आपको देखना होगा, आके देख लेना, पहले की क्लास है, वीडियो पहले से आवृत्ति ये पूरा डिस्कशन किया था, और इस दौरान जितनी चीजें इस क्वेश्चन में आपको दिख रही हैं वो सब कुछ डिस्कस हुआ था. भाई देख लेना ये चीजें पॉसिबिलिटी हैं. अब क्वेश्चन उस तरह से पूछ दिया, चाहे हम लोगों का लक अच्छा है या पढ़ाने का तरीका वैसा है कि क्वेश्चन वहां से मिल गया. तो इंफ्रारेड कहां गया? इंफ्रारेड रेस कॉन्स्टिट्यूट रफली 2/3 नहीं होता, 1/3 होता है, इट इज 1/3. फिर है इंफ्रारेड वेव्स आर लार्जरली अब्सॉर्ब बाय वाटर वेपर दैट इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर एटमॉस्फेयर. जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में कि वाटर वेपर की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड वाटर वेपर, उस समय बताया भी था कि वाटर वेपर्स आर ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस. और ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड से नफरत की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या जरूरत है, उसकी मैंने महत्व लिखवाया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी उतना ही जरूरी जितना ऑक्सीजन, नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और उसके ऐसी जो गैसें, उसके ऐसी सरीखी गैसें जो हैं, अगर वो एटमॉस्फेयर से हट गई तो पृथ्वी आइस एज में चली जाएगी. एंड दिस आई कीप टॉकिंग फॉर मेनी ऑफ डेज, जब तक इन्वायरमेंट पढ़ाता हूं या पर्यावरण जब वायुमंडल पढ़ाता हूं, बार बार कहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड को भी उतनी इज्जत मिलनी चाहिए जितनी ऑक्सीजन को मिलती है, हम नहीं देते, बात अलग है. तो दिस वन इज करेक्ट. इंफ्रारेड वेव्स आर पार्ट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम. अब देखो ध्यान से, यहां क्लियरली लिखा है कि नहीं, अदृश्य, और अदृश्य में लिखा है IR, मतलब इंफ्रारेड अवरक्त, दिखाई नहीं देती, इधर भी दिखाई नहीं देती और इधर भी दिखाई नहीं देती. इसे भी झुटला दो, नहीं नहीं है भाई, पढ़ाया है. आगे देखो, तो आंसर इसका हो जाएगा 3 ओनली आंसर हो जाएगा.
अब ये द सॉयल इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन रिच इन न्यूट्रिएंट, कितनी बार बात हुई है, कितनी बार बात हुई है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होती है कन्वेक्शनल रेन। कौन सी होती है? कन्वेक्शनल रेन होती है। और जब कन्वेक्शनल रेन होती है तो इस वजह से वहां पर दो प्रोसेस होता है लगातार, एक तो बारिश खूब और धूप गर्मी भी बहुत ज्यादा, और इस वजह से वहां पे जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, या तो जब वाटर वाष्पित, जल वाष्पित होता है उसके साथ वाष्पित हो जाते हैं, और दे गॉट ड्रेन्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द सॉयल, और इसलिए वहां न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाते। कई बार इसको मैंने डिस्कस किया, भाई ध्यान रखना बारिश वहां सबसे ज्यादा है लेकिन न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट वुड बी रॉन्ग। सेकंड, द हाई टेम्परेचर एंड द मॉइस्चर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉजेस डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉयल टू डीकंपोज क्विकली। बात वही बात है, अभी बताया बारिश ज्यादा है और धूप तेज है, तो वही डिस्कस किया। और नीचे ये चीज देखो, यहां साफ यहां लिखा है क्या, फर्टिलिटी ऑफ टॉप सॉइल इन द रेन फॉरेस्ट इज वेरी पुअर, टॉरेंटियल डाउनपोर्स वॉश आउट मोस्ट ऑफ द टॉप सॉइल न्यूट्रिएंट्स, लीचिंग परकुलेशन एंड ड्रेनिंग वे ऑफ द न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू रेन वाटर एक्शन। लिखा है कि नहीं लिखा है? अब कह दोगे नहीं ऐसे नहीं हो सकता, भाई है सामने देख लो, द सॉइल डिटोरियस रैपिडली विद द सब्सिक्वेंट सॉइल इरोजन सॉइल इंप्रूवमेंट, बातें तो लिखी है, नहीं मानना है मत मानो, इट्स योर चॉइस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये देखो, जलखंड और स्थलखंड के प्रकृति में अंदर अंतर, स्थलखंड में क्या होगा विशिष्ट उष्मा, अब ये भी कह दो फर्जी है। देखो यहां क्वेश्चन, अब हम हर एक चीज बताने की कोशिश करते हैं, वी ऑलवेज से कि वी विल कवर एवरीथिंग इन होलिस्टिक मैनर, क्योंकि बार बार मैं तो अपनी क्लास में कहता हूं भाई देखो जीएस नहीं, हमें सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, हमें जीएस पढ़ना। जीएस का मतलब क्या है? एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बन सकते हैं। यू कैन सी हियर, यहां क्या लिखा, स्पेसिफिक हीट, और यहां मैंने बोर्ड पे क्या लिखा, विशिष्ट उष्मा, और इसको पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ना विश्वास हो क्लास में आओ, किसी बच्चे का नोट्स उठा के देखो, आई हैव डिस्कस विशिष्ट, जल की विशिष्ट उष्मा सर्वाधिक या पारदर्शी होता, सब कुछ पढ़ा रखा, इसके बाद भी नहीं मानना योर चॉइस। तो देखो क्वेश्चन नंबर 74 की बात कर लेते हैं, फिर आगे इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट, टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड ओशन इज ग्रेटर ड्यूरिंग समर देन विंटर। जाहिर सी बात है, समर में कॉन्टिनेंट बहुत तेज गर्म होंगे, ठंडे बहुत तेज होंगे, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा और वहां पे कम होगा। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओशन में कम होगा, और द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ लैंड सर्फेस, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू। वाटर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है, मैंने क्लास में बहुत डिटेल डिस्कशन किया था, समझाया था, जिस बच्चे ने उस समय ध्यान से पढ़ा होगा क्वेश्चन पढ़ते ऐसे क्या होगा, सर दोनों सही हैं, टिक करो आगे बढ़ो, लेकिन जिन्हें पढ़ना ही नहीं, जिन्हें सिर्फ देखो बेटा, व्होएवर यू आर, एक बहुत तुमको पते की बात बताता हूं, अगर आप स्टूडेंट हो, सिंपल सी आपको कलाम साहब के जीवन की घटना बताता हूं। कलाम साहब जब, इसलिए कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, कलाम साहब जब क्लास 8 तक जहां पढ़े और क्लास 8 पास करके जब जा रहे थे तो उनके प्रिंसिपल ने बुलाया कि भाई होनहार बच्चे थे कि कलाम कोई परिवर्तन चाहते हो बताओ, तो कलाम साहब ने पता है क्या कहा, कहा कि सर फिजिक्स के जो टीचर इनको बदल दो। तो प्रिंसिपल साहब को थोड़ा झटका लगा कि ये अगर फिजिक्स के टीचर में कोई प्रॉब्लम थी तो इसने पहले क्यों नहीं बताया। तो कलाम साहब वो ठहरे, कलाम साहब उन्होंने कहा क्या कि सर मुझे बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, मैं तो सीखने आया हूँ और वो गुरु है तो मैं उनसे कुछ सीखूंगा ही, लेकिन सर जो हैं वो उतना खुल के बच्चों को आने नहीं देते, इसलिए और बच्चों को दिक्कत होती है। और उन्होंने एक लाइन बोली, कहा कि देखिए एक अच्छा विद्यार्थी वो है जो प्रत्येक शिक्षक से कुछ सीख ले, और मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूं, मैंने तो उनसे सीखा लेकिन कुछ बच्चों को दिक्कत होती है तो आप बदल दीजिए। तो आप जब कहीं भी अध्ययन करने के लिए बैठोगे तो आप सीखने के लिए बैठो, और आप बैठे हो जज बन के तो आप अभी इतनी पढ़ाई आपने नहीं कर ली कि आप किसी को जज कर पाओ, आप अभी इतनी पढ़ाई कर नहीं पाए हो कि आप किसी को जज कर पाओ। पहले उतना पढ़ो, उतना अध्ययन करो, सीखो, बात बोलना सीखो, बात कैसे रखी जाती है अपनी, ठीक है। तो इस तरह से ये देखो पूरा क्लास का वीडियो हमने इसको डिस्कस किया है, कॉपी में लिखवाया, नोट्स में है, सारी चीजें हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन अ सिस्मोग्राफ पी वेव्स आर रिकॉर्डेड अर्लियर देन एस, अब देख लो कह रहे हो ना, फर्स्ट काइंड ऑफ वेव बॉडी वेव पी वेव ऑफ प्राइमरी, अब लोग कह दो नहीं नहीं लिखा है, टेबल ये आज का नहीं है, 6 महीने पुराने भी बुक उठा के देख लो उसमें ऐसे लिखा हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट, पी वेव्स द इंडिविजुअल पार्टिकल वाइब्रेट टू एंड फ्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वेव्स प्रोपेगेशन वाइल द एस वेव, इसके टाइम भी मैंने वीडियो बनाई थी कि पी
इस तरह से बनाया था टू एंड फ्रो, दे आर ट्रांसवर्स वेव और एस वेव जो होती है दे आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इसको भी डिनाई कर दो, नहीं 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 ये तो झूठ बोल रहे हैं, अरे भाई देख लो सामने सारी चीजें लिखी हैं, तो दिस इज वन एंड टू बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट वन एंड टू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये देख लो भाई, अरे कोई बात नहीं, वन मिनट, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक्स ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशन बाय एडिंग लाइम, कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सबटेरेन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। कह रहा है इसमें कौन सा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन क्या होता है बार बार डिस्कस किया जाता है क्लास में, वे प्रत्येक प्रक्रिया है जिससे कार्बन की मात्रा को वायुमंडल से कम किया जा सके, और ये सारी चीजें क्लास नोट्स में आपको बताई गई लिखवाई गई हैं कि फाइनली ग्राउंड बेसाल्ट रॉक को जब करेंगे तो वो कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, उसको कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, अब्सॉर्ब कर लेगा, एल्कलिनिटी बढ़ेगी तो फिर वो क्या बोलते हैं एल्कलिनिटी बढ़ेगी फिर वो कार्बन से रिएक्शन करके वो होगा, वहां कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित हो जाएगा, और कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा के जो माइंस हैं खाली उसमें कार्बोनेटेड वाटर के फॉर्म में भर दिए। ऑल आर थ्री, ऑल आर द करेक्ट, सी इज द आंसर। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन सबसे अजीब प्रश्न था इस पेपर का, सबसे अजीब प्रश्न, सर ये देख लो भाई, देखो तारे का द्रव्यमान जब सूर्य से 1.4 गुना चंद्रशेखर तो तारा बनेगा, रक्त दाना बनेगा, प्लेटी नेबुला श्वेत वामन, तारे का द्रव्यमान जब सूर्य से अधिक है तारा, रक्त महादाना, सुपरनोवा, न्यूट्रॉन तारा, ब्लैक होल, ये पूरा का पूरा डिस्कस कर रखा है। अब कह दो नहीं नहीं ये भी झूठ है, भाई मत मानो, योर चॉइस। तो इसमें आप देखो कि सीफेट जैंट क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैस, ये नेबुला का एग्जाम्पल है, दिस इज डेफिनेशन ऑफ नेबुला, रॉन्ग। सीफेट्स स्टार विच ब्राइटेंस डिम प्रोडक्टली, ये भी रॉन्ग, तो ये इधर जाएगा। पल्सर न्यूट्रॉन स्टेट दैट आर फॉर्म व्हेन मैसिव स्टार्स रन आउट ऑफ फ्यूल एंड कोलैप्स, जो ये प्रोसेस है इसके बाद जो बनता है यहां से जब ये कोलैप्स करता है यहां बनता है आपका सुपरनोवा एक्सप्लोजन ऑफ डेड स्टार, यहां बनता है पल्सर। तो ये दिस ओनली थर्ड वन इज करेक्ट, बाकी दोनों गलत है, ओनली वन ए इज द आंसर, ओनली वन ए इज द आंसर। देखो ये कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन वाला लगा था, एक क्वेश्चन के बाद हो गया था कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कैप्चर, ये सारी बातें वहां लिखी जितना वहां ऑप्शन में था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 99 नंबर, इन इंडिया द बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी आर की टू रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। देखो ये सारी चीजें कहां से आई हैं, तो ये सारी की सारी चीजें चाहे आप बात कर लो नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटी, सब एक जगह से आई हैं। दे केम फ्रॉम वेयर, दे केम फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002, बायोडायवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। और बायोडायवर्सिटी एक्ट क्यों आया था, नगोया प्रोटोकॉल से। और नगोया प्रोटोकॉल का क्या था कि जो भी बायोलॉजिकल कोई चीजें मिल रही उसमें किस तरह से बेनिफिट शेयरिंग करेंगे, देखो यहां लिखा है इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स, और देखो इसको हाईलाइट करके लिखा गया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अप्रूवल ऑफ एनबीए रिक्वायर्ड, और यही दोनों बातें यहां लिखी हैं, दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ वन एंड टू इज करेक्ट, आंसर वुड बी सी। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, नेक्स्ट द करेंट अफेयर क्वेश्चन विल बी कवर बाई द बंसल सर, आई वुड लाइक टू कॉल मोहित सर। ओके सॉरी, द नेक्स्ट डिस्कशन विल बी फॉर पॉलिटी बाई अमित माथुर सर, देन देर विल बी बंसल सर फॉर डिस्कशन ऑफ करेंट अफेयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? पॉलिटी और दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस लेकर जो है हम लोग आपके सामने डिस्कशन कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स कब से मुझे भी मैसेज कर रहे थे कि सर हिंदी वाला डिस्कशन कब होगा, तो हिंदी वाला डिस्कशन शुरू करते हैं। आई थिंक सबको ऑडिबल है, चीज़ें क्लियर है सबको, आपके आपके कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है, जो भी आप लोगों को डाउट हो वो पूछते रहिएगा, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ मैंने लगा रखी है पीडीएफ, और मेरे हाथ में क्या है, मेरे हाथ में मोबाइल के अंदर मेरे पास अपना क्वेश्चन पेपर है, तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और साथ साथ में ऑडिबल होगा कि नहीं होगा सबको पहले जरा ये कंफर्म कीजिए।
क्वेश्चन मैं यहाँ से बोलूँगा और उसके बाद आंसर को मैं डिस्कस करूँगा. इज दैट ऑडिबल और नॉट? ओके, अगर ऑडिबल है तो बहुत अच्छी चीज़ है. देखिए, पॉलिटी से एक पहला जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो ये है, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल डेजिग्नेटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. इसका मतलब क्या हुआ कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल बंगाल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था. जो भारत का संवैधानिक विकास होता है, जिसकी क्लास मैं लेता हूँ और उसको इस तरह से लेता हूँ कि गारंटेड क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आया हुआ है. चार्टर अधिनियम 1833 जो था वो इससे संबंधित है, और ये डायरेक्टली जो भी क्लास में, अगर क्लासरूम स्टूडेंट कोई जुड़ा हुआ होगा वो इसको विटनेस करेगा कि सीधे सीधे ये क्वेश्चन हमारे क्लास नोट से निकला हुआ है. आगे जाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए, क्लास नोट्स के साथ साथ में जो प्रिंटेड नोट्स है वहाँ से और क्लास के अंदर जो डीपली डिस्कशंस होते हैं उन डिस्कशंस को भी आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से. क्या है, इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स? मतलब अपनी भावना में जिसको आप बोलते हो कि विधि की सम्यक प्रक्रिया, वो क्या है? आप सब जानते होंगे, ये देखिए, अब मैंने हमारे क्लास नोट्स के अंदर भी था और हमारे प्रिंटेड नोट्स के अंदर भी है, जिसमें मैंने आपको दो तरह के केस बताए थे. एक जो मेनका गांधी का केस था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो व्याख्या की थी आर्टिकल 21 की, ये क्वेश्चन वहाँ से आया है. क्वेश्चन क्या बोलता है कि अपनी मूल भावना में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है, यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया क्या होती है. अगर आप देखोगे तो एक हमारे देश के अंदर जो तरीका है वो ये है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया. इसका मतलब क्या हुआ कि भारत की संसद कोई भी कानून बना सकती है बशर्ते कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही हो. यह है सूक्ष्म व्याख्या. मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह व्याख्या दी कि भारत की संसद कोई भी कानून बना सकती है बशर्ते कि वो कानून कैसा हो, न्याय संगत हो. भारत की संसद कोई भी कानून बना सकती है बशर्ते कि वो कानून कैसा हो, वो कानून हो न्याय संगत हो. तो अगर ये न्याय संगत है तो इसका मतलब क्या हुआ, अपनी मूल भावना में अगर हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब समझना चाहे तो वो क्या होगा, फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, यानी कि कानून का न्याय संगत प्रवर्तन. कानून बना देना ही काफी नहीं है. आर्टिकल 21 की दो तरह की व्याख्या यहाँ इन्वॉल्व है. पहली व्याख्या जिसके अंदर कहा था कि कानून प्रक्रिया से बना दो, बस इतना ही काफी है. बट मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो भी होना चाहिए. कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो होनी ही चाहिए, कानून की सम्यक प्रक्रिया भी होनी चाहिए. अब इस कानून की सम्यक प्रक्रिया का मूल भावना क्या है, मैंने बार बार क्लासरूम के अंदर बताया है. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़े होंगे, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर क्लियर हो रहा होगा तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर जुड़े हुए होंगे वो इस बात को विटनेस करेंगे कि मैंने क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करी है, और वो ये है कि ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है जो कि हमारे पास ऑप्शन सी के अंदर आता है. और मैंने हमेशा क्लास के अंदर कहा है कि जब भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो दोस्तों वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होगा कि वो आपको डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन पूछेगा, और कई बार वो क्लासरूम डिस्कशंस की बड़ी वैल्यू रहेगी, और उस बड़ी वैल्यू को मैंने यहाँ पर हमें देखना है. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. मैं देख रहा हूँ स्टेटमेंट, हाँ राजन मिश्रा जी कह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल. अब अगर देखते हैं कि आगे देखते हैं 12वां क्वेश्चन, ये क्या है, इन इंडिया प्रिजंस आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट्स विद देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजंस. क्लास के अंदर डिस्कशन करते समय और लिखवाया हुआ नोट्स है, ठीक है, वो ये है कि हमारे देश में जो जेल है उन जेलों को देखने वाला कौन है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार नहीं है. ये मैंने वर्तमान के अंदर कई सारी घटनाएं ऐसी हो रही थी कि फला जेल के अंदर कैदी को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है क्योंकि राज्य सरकार उसके लिए समर्थन कर रही है. इस प्रकार की बातों को मैंने क्लास में डिस्कस भी किया हुआ है और हमारे प्रिंटेड नोट्स के अंदर भी आप देख सकते हैं. तो इन इंडिया प्रिजंस जो है, हमारे जेलों की स्थिति जो है वो मैनेज करने का काम कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, तो बात सही है. अगला जो स्टेटमेंट है, 1894 का जो कैदी एक्ट है उस कैदी एक्ट के तहत बिल्कुल बाकायदा स्पष्ट कर दिया गया था कि ये काम करेगा कौन, ये काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स, ना कि यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट. तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं ये स्पष्टता से चीज़ें आ गई थी. चीज़ें समझ पा रहे हैं सारे लोग, और वॉल्यूम क्लियर है कि नहीं है? मैं चूँकि बाहर से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए मुझे ये आप लोगों से चाहिए चीज़ें कन्फर्मेशन कि ये चीज़ें जो है आपको आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है. सामने में देख पा रहा हूँ कि जो है वीडियो तो क्लियर जा रहा है,
एक भयानक आंधी तूफान के बीच में डिस्कशन हो रहा है सारा का सारा, इसलिए अगर आपको वॉल्यूम क्लियर नहीं है तो इसको जरूर बता दीजिए, और अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर 17वां नंबर के क्वेश्चन पर अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और जो हमारा 17th क्वेश्चन है, वो 17th क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17th क्या बोलता है, और इस क्वेश्चन नंबर 17th को जरा देखते हैं कि कैसे हमारे नोट से एज इट इज उठकर आता है। क्वेश्चन के अंदर मैंने आप लोगों को बता रखा है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर दो तरह के विधेयक होते हैं, विधेयक तो कई प्रकार के होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग टाइप के विधेयक कौन कौन से होते हैं, एक होता है धन विधेयक, ठीक है, एक होता है धन विधेयक और एक होते हैं वित्तीय विधेयक। धन विधेयक के बारे में मैंने आपको आर्टिकल 110 के अंतर्गत बताया था कि आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, और धन विधेयक में बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा, लोकसभा पारित कर दे तो राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के पास 14 दिन है, वो इसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो इसमें संशोधन नहीं ला सकती, वो इसको पुनर्विचार के लिए वापस लोकसभा को नहीं, वो केवल रिकमेंडेशंस कर सकती है अपनी कुछ, और वो रिकमेंडेशन लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा पर निर्भर है, ये बात हुई थी। अब पहला स्टेटमेंट देखिए, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल। अब दूसरा समझिए, आर्टिकल 117(1) और 117(3) के अंतर्गत हमारे पास दो प्रकार के वित्तीय बिल होते हैं, और दोनों प्रकार के वित्तीय बिलों की खासियत क्या होती है, इसमें धन विधेयक से संबंधित कुछ प्रावधान हो सकते हैं लेकिन ये पूरी तरह से धन विधेयक नहीं है। और मैंने क्लासेस के अंदर PYQ के साथ साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐसे करा है कि मुझे मालूम था ये वहां से क्वेश्चन यहां से निकलेगा। अगर कोई क्लासरूम का स्टूडेंट यहां पे जुड़ा हुआ है, जैसे विकास ठाकुर जुड़ा हुआ है, राजन मिश्रा जुड़े हुए हैं, ये मुझे बताए कि मैंने इसके अंदर जब क्लासरूम के अंदर प्रैक्टिस कराई थी तो बताया था कि नहीं बताया था कि यहां के दोनों के माइन्यूट डिफरेंस से क्वेश्चन आएगा, और मैंने कहा था कि इसके अंतर्गत वित्तीय विधेयक जो होता है उस पर जो है जॉइंट सिटिंग भी बुलाई जा सकती है, उसमें राज्यसभा संशोधन भी प्रस्तुत कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें, जब लोकसभा किसी वित्तीय बिल को राज्यसभा को भेजती है, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल, वो उसमें संशोधन भी ला सकता है और साथ साथ में वो क्या कर सकती है, वो संशोधन भी ला सकती है और उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखते हैं, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू द राज्यसभा इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली मेक रिकमेंडेशंस। ये बिल्कुल सही बात है। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा के पास भेजती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर राज्यसभा उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, वो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकती, वो उसमें केवल और केवल अपने रिकमेंडेशंस दे सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको पहला स्टेटमेंट भी सही दिखाई देता है, ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही दिखाई देता है। यस पूजा, राजन मिश्रा, विकास, मिथिलेश, ठीक है ना, हाँ जी। अब तीसरा देखते हैं, इन द केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल। अगर लोकसभा राज्यसभा में धन विधेयक के संदर्भ में कुछ झंझट आ जाए तो कोई संयुक्त बैठक नहीं होती है, बिल्कुल सही बात है, लोकसभा की सुप्रीमेसी है उसमें तो। बट इन अ जॉइंट सिटिंग बिकम्स नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल, ये सही है, जॉइंट सिटिंग फाइनेंस बिल के लिए नेसेसरी हो जाती है क्योंकि उसके अलावा और कोई डेडलॉक दूर करने का तरीका ही नहीं होता, और वो हो भी सकती है। तो अगर देखें तो इसके अंदर 17वें के अंदर आपको तीनों सही मिलेंगे, और ये तीनों मुझे इस क्वेश्चन को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई है क्योंकि मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने अपनी क्लासरूम के अंदर कम से कम 10 से 15 मिनट हर 2-3 क्लासों के अंदर इससे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कराए हैं जिससे कि स्टूडेंट्स को ये कंसेप्ट क्लियर हो। और आज अगर उन्होंने इस पेपर को दिया होगा और अगर यहाँ से 2 नंबर उठाए होंगे तो उनके कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गए होंगे, उनको समझ में आ गया होगा कि वो 2 नंबर लेना और उस प्रैक्टिस को करना कितना इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है, मैंने इसको 2 बार करवाया था, बिल्कुल राजन मिश्रा मुझे अच्छे से ध्यान है। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास 17 के बाद में पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं कि वो कहां पर आपको मिलेगा। 17 के बाद में आपको पॉलिटी का क्वेश्चन मिल रहा है 19वां, ध्यान से देखिए। विद रेफरेंस टू द शेड्यूल्ड एरिया इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भारत में शेड्यूल एरिया से संबंधित यानी कि अनुसूचित एरिया से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए नोट्स में तो साफ साफ है ही, ये देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विषय में साफ साफ है कि भारत का राष्ट्रपति
किसी एक नोटिफिकेशन जारी करके किसी भी क्षेत्र को एक अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर है, विद इन अ स्टेट द नोटिफिकेशन ऑफ एन एरिया एज शेड्यूल्ड एरिया टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। और इस विषय में भी मैं बार बार कहूंगा कि इस विषय में कुछ एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल भी हमने दिए थे, वो एक्सेप्शन यहाँ पूछे नहीं गए। आपको जरूरत से ज्यादा करा दिया था लेकिन वो एक्सेप्शन यहाँ नहीं पूछे गए, ठीक है। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज द क्लस्टर ऑफ विलेजेस इन द ब्लॉक। ये भी स्टेटमेंट है, क्या है कि जो प्रशासनिक इकाई, सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जो उसके अंदर बन सकती है वो बनती है जिला काउंसिल, जिला परिषद, और सबसे छोटी कौन सी बनती है, विलेजेस के क्लस्टर। ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है हमें वो भी सिखाई सही दिखाई देता है। थर्ड स्टेटमेंट में दिक्कत है और वो भी मेरे स्टूडेंट निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द कंसर्न्ड एरिया। मैंने आपको बताया था कि जो भी नाम से काम होते हैं वो राष्ट्रपति और गवर्नर के होते हैं, और जो जो वास्तविक काम होते हैं वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के होते हैं। और यहाँ क्या बोला गया है, राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसी एक वार्षिक रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेंगे जो कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अब बात क्या है, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बल्कि ये रिपोर्ट किसके नाम से भेजी जाएगी, ये रिपोर्ट गवर्नर के नाम से भेजी जाएगी, ठीक है। तो आपको कौन सा पेयर सही दिखाई देता है, बी, मतलब दो पेयर सही है। देखिए इस बार यूपीएससी के पेपर के अंदर एलिमिनेशन राउंड मुश्किल हो गया है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, या तो एक पेयर सही है या दो पेयर सही है या तीनों सही है या कोई भी सही नहीं है। दैट मीन्स कि आप एलिमिनेट करके आंसर नहीं निकाल पाएंगे इसलिए। लेकिन खैर इन चीज़ों पर एलिमिनेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने जिस तरह से इसको क्लासरूम के अंदर क्लियर किया है एवरीबॉडी नोज, जो जो क्लासरूम के अंदर थे उन्हें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो कि भारत के अंदर देखने में आता है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज हेल्ड इन सम जजमेंट्स दैट द रिजर्वेशन पॉलिसीज मेड अंडर आर्टिकल 16(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को हमने समय समय पर कोट किया है, और सर्वोच्च न्यायालय ने हमेशा कहा है कि किसी भी प्रकार का जो आरक्षण है वो आरक्षण जो है वो कभी ना कभी जो है ऐसा होना चाहिए जो मेरिट को कभी भी मेरिट को ख़त्म ना करे, मेरिट उसके अंदर जरूर होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन पहला स्टेटमेंट तो सही है आर्टिकल 335 के अंदर का, लेकिन दूसरा देखिए, इसके अंदर ये कहा गया है कि टर्म एफिशिएंसी या ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक क्षमता या दक्षता को अच्छी तरह से परिभाषित किया गया, और ये भी स्टूडेंट्स अच्छे से समझते हैं, जहाँ भी ये लिखा हुआ है वेल डिफाइंड या इट इज़ डिफाइंड, ज़्यादातर लेवल पर वो स्टेटमेंट गलत होता है। ऐसा कोई भी डेफिनेशन, एफिशिएंसी की डेफिनेशन इसके अंतर्गत नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या आंसर मिलेगा, पहला सही है और दूसरा गलत है। पहला सही है और दूसरा गलत है का मतलब हुआ हमारा आंसर इसके अंदर होगा सी, 20th का आंसर कौन सा होगा, सी। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ट्वेंटी फर्स्ट देखते हैं, ये पॉलिटी से रिलेटेड नहीं है, आगे देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को। जब तक आप देखिए और रिकॉल करने की कोशिश कीजिए ये सारी चीजें क्लासेस के अंदर ढंग से डिस्कस हुई है कि नहीं हुई है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 51 इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। होम गार्ड्स आर रेज्ड अंडर द होम गार्ड्स एक्ट एंड रूल्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट।
होमगार्ड्स एक्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल से ये निकाला जाता है. देखते आगे, द रोल ऑफ द होमगार्ड्स इज टू सर्व एज एन ऑक्सिलरी फोर्सेज टू द पुलिस इन मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी यानी कि आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन करने के लिए होमगार्ड्स पुलिस का सहयोग करता है. बिल्कुल हम लोगों का डिस्कशन हुआ हुआ है. थर्ड देखते हैं, द प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन, टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर या कोस्टल एरिया, द बॉर्डर विंग होमगार्ड्स बटालियन हैव बीन रेज्ड इन सम स्टेट्स. कुछ राज्यों में जहां पर इन्फिल्ट्रेशन यानी कि घुसपैठ की समस्या देखने को आ सकती है, वहां पर होमगार्ड्स का उपयोग इस काम को रोकने के लिए भी किया जाता है. ये स्टेटमेंट भी सही है. लेकिन पहला वाला गलत क्यों है? क्योंकि ये कोई केंद्रीय एक्ट इसके लिए नहीं है. ये राज्य सरकारों के और जो यूटीज के एक्ट होते हैं उनसे ये जो है काम करता है होमगार्ड्स. 54 क्वेश्चन आईआर से रिलेटेड. और बार बार मैंने कहा कि राजनीति विज्ञान पढ़ने वालों को एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, जो बेनिफिट उनको हो भी रहा होगा. ठीक है, भाई मेंस हो जाने तो मेंस का प्रूफ वीडियो भी आ जाएगा दोस्त मिथिलेश. ठीक है, हाँ भाई, इसराइल हैज एस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स. यस, इसराइल ने कुछ अरब स्टेट्स के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टेब्लिश किया, इसमें कोई शक नहीं है. दूसरा देखते हैं, द अरब पीस इनिशिएटिव. द अरब पीस इनिशिएटिव मीडिएटेड बाय द सऊदी अरेबिया वॉज साइंड बाय इसराइल एंड अरब लीग. दूसरा स्टेटमेंट जो है वो जो ये सऊदी अरेबिया ने इनिशिएटिव लिया था कि वो इस प्रकार का कोई अरब पीस इनिशिएटिव करेगा, वो हुआ जरूर है, लेकिन इसके कारण जो सेकंड स्टेटमेंट है उसको कई अरब देशों ने साइन भी नहीं किया है. तो मेरी नज़र में पहला स्टेटमेंट इसके अंदर जो है वो सही होना चाहिए और दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत होना चाहिए. देख लेता हूँ, कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए अपने पास पॉलिटी का. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन, द G20 ग्रुप वॉज ओरिजिनली एस्टेब्लिश्ड एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज. बिल्कुल, G20 का गठन इसीलिए किया गया था ताकि जो जो विकासशील देशों के वित्त मंत्री और रिजर्व बैंक के गवर्नर्स यानी कि केंद्रीय बैंकों के गवर्नर बैठकर डिस्कशन कर सके. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडिया G20 प्रायोरिटीज. बिल्कुल सही बात है, भारत G20 के अंदर इस प्रकार की प्रायोरिटीज को बताता है जो कि आपको देखने को मिलता है. तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट इसके अंदर दोनों ही सही दिखाई देते हैं. 64 क्वेश्चन नंबर 64, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहला स्टेटमेंट देखते हैं. वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 6 mm × 400 mm. देखो, याद रखो ये 600 mm × 400 mm नहीं है. हालांकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको उस बात की याद दिला देता है कि इंडिया के नेशनल फ्लैग में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिए. तो आपने सोचा होगा कि अगर 600 और 400 दे रखा है तो 3:2 हो रहा है. इसलिए जो दूसरा स्टेटमेंट है जो जनरली हम लोगों को पता रहता है कि वो सही है, ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरा स्टेटमेंट जनरली लोगों को सही नजर आता है. दूसरा तो सही है कि 3:2 का अनुपात होना चाहिए, लेकिन जो जो क्राइटेरिया दे रखे हैं कि कौन कौन सा तरीके से नेशनल फ्लैग जो होगा वो किस किस लंबाई चौड़ाई का बनाया जा सकता है, उसमें 600 mm और 400 mm का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, कोई भी उसके अंदर क्राइटेरिया नहीं है. देखिए कितने क्राइटेरिया है, ये है आपके सामने 9 क्राइटेरिया है. इनमें से कोई भी क्राइटेरिया आपको नहीं नजर आता है. जो सबसे नियरेस्ट है वो 6300 × 4200 है, 600 और 400 नहीं है. अगर ये यहाँ पर 4000 और 6 अगर ये अगर इससे एक एक जीरो कम होता तो आप अप्रोक्सीमेटली कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल क्लियर है कि ऐसा कोई क्राइटेरिया इसके अंदर नहीं है. 65, और ये क्वेश्चन भी हमारे बेसिक क्लास नोट से, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है यूपीएससी ने पॉलिटी बिल्कुल हलवा दे दिया है और हमारे स्टूडेंट्स इस बात को बिल्कुल जस्टिफाई करेंगे, बिल्कुल विटनेस करेंगे कि ये क्लास नोट से चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है. पहला देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26th of November एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज अमंग सिटीजन्स. नागरिकों के बीच में संवैधानिक भावना का प्रसार करने के लिए 26 नवंबर को प्रतिवर्ष जो है संविधान दिवस मनाया जाता है.
26 नवंबर 1949 को इस ये जो हमारी संविधान सभा है, दूसरा स्टेटमेंट समझिए, उसने प्रारूप समिति का गठन किया? नहीं भैया, प्रारूप समिति का गठन तो पहले ही हो गया था, 26 नवंबर 1949 को तो हमारा संविधान लागू हुआ था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइनटी सेवेंथ क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगर किसी राज्य में आंतरिक अशांति होती है तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो उसकी रक्षा करे। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 355 के तहत चेतावनी दे सकती है और 356 तो साफ साफ ये बोलता है। The Constitution of India exempt the states from providing legal counsel to a person being held for preventive detention. या ऐसा कोई जिक्र नहीं है। आर्टिकल 22 के एक्सेप्शन के रूप में निवारक निरोध का जिक्र है, लेकिन उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि अगर किसी को निवारक निरोध में बंदी बनाया गया तो उसको लीगल असिस्टेंस नहीं ली जाएगी, यानी कि उसको विधिक सहायता नहीं दी जाएगी, तो दूसरा गलत है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज एज अ एविडेंस। ये सही है। तो हमारे पास में इसके दो पेयर निकल कर आते हैं और वो आते हैं बी। हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए? बी। अब जरा 100th क्वेश्चन को देखिए और अपने क्लास नोट्स ही नहीं, ये बड़ा सिंपल यूपीएससी के अंदर ये हमारे प्रिंटेड नोट्स भी बोल रहे हैं और हमारे क्लास नोट्स भी बोल रहे हैं। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर के अंदर बाकायदा दे रखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, और मुझे इसलिए खुशी भी है कि मैंने स्टूडेंट्स को एक गाइड किया था कि आप वाइड पढ़ने की बजाय डेप्थ में पढ़ो, और जिन लोगों ने वाइड पढ़ने की बजाय डेप्थ में पढ़ा होगा वो इन क्वेश्चंस को बड़ा आसानी से कर सकता है। पहला स्टेटमेंट देखिए, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू इधर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में जिन लोगों को नॉमिनेट किया है वो भी वोट दे सकते हैं। नहीं है ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि नामांकित सदस्य वोट नहीं दे सकते ना, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो नहीं सही है। दूसरा देखिए, हायर द नंबर ऑफ इफेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। इसका मतलब क्या है, अगर किसी राज्य में असेंबली की सीटें ज़्यादा है ना, सीटें ज़्यादा है असेंबली की, तो वहाँ पर वोट की वैल्यू ज़्यादा होती है। जरा आप फॉर्मूले को देखेंगे तो आप देखेंगे कि पॉपुलेशन आती है ऊपर और असेंबली की जो सीट्स है वो आती है नीचे। यहाँ पर हमारे पास में बाकायदा उसका फॉर्मूला भी है जो क्लास नोट्स के अंदर भी लिखवाया गया है और जो प्रिंटेड नोट्स के अंदर भी बाकायदा दे रखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव करते समय एक फॉर्मूला अपनाया जाता है जिससे एक एमपी और एक एमएलए की वोट की वैल्यू डिसाइड हो जाती है। उस फॉर्मूले के अंदर नंबर ऑफ सीट्स नीचे होती है और पॉपुलेशन जो होती है वो ऊपर होती है। अगर नंबर ऑफ सीट्स नीचे है, देख लेते हैं, देखिए वित्तीय विधेयक 1, वित्तीय विधेयक 2 पूरा, ये देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अगर एक जब हम एमएलए की वोट की वैल्यू निकालते हैं तो यह असेंबली की सीट्स आती है, और अगर असेंबली की सीट्स यहाँ पर अगर ज़्यादा हुई तो आप क्या देखते हैं, हायर द नंबर ऑफ इफेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए। अगर असेंबली की सीट्स ज़्यादा हुई तो वोट की वैल्यू ज़्यादा तो नहीं होगी, क्योंकि जो भाग के नीचे जाता है वो अगर ज़्यादा हुआ तो वोट की वैल्यू तो कम होगी। तो आपका पहला स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा भी गलत है। द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर देन दैट ऑफ केरला। नहीं, केरला के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 152 के करीब है और मध्य प्रदेश के एक एमएलए की वोट की वैल्यू 131 है, तो ये भी गलत है।
द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. ये सही है और इसका कारण भी है कि दोनों का जब रेशियो निकालते हैं पॉपुलेशन और सीट्स का, तो ऐसी स्थिति में पुडुचेरी का रेशियो ज्यादा आता है और अरुणाचल का रेशियो कम आता है. पुडुचेरी का 16 है और अरुणाचल का 8 है. तो आपके कौन से पेयर सही दिखाई देते हैं? बी आएगा, ओनली 2. एक बार फिर से देख लेते हैं कि पॉलिटी के कोई क्वेश्चन मिस तो नहीं हुआ है. यस, क्वेश्चन नंबर 13. Which one of the following statements best reflects the chief purpose of the constitution of a country? एक देश का संविधान क्या बनाया जाता है? संविधानवाद, हम लोगों ने डिस्कस किया था, संविधानवाद शक्तियों को सीमित करता है. और एक देश का जब संविधान बनता है तो उसका मूल कारण क्या होता है? ताकि जिन लोगों को शक्तियां दी गई है उनकी शक्तियों को सीमित भी करे और उनकी शक्तियों को डिफाइन भी करे. तो आंसर इसका क्या होगा? सी, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. एक सरकार की पावर को और उसकी शक्तियों को लिमिट करने का काम ये करता है. तो 13th के अंदर भी हमें देखने को मिलता है. क्वेश्चन नंबर 14 देखिए. In India, which one of the following constitution amendments are widely believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights? मौलिक अधिकारों को का जो न्यायिक रूप से इंटरप्रिटेशन किया गया था उसको दबाने के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था? आपको याद होगा क्लास में पढ़ाते समय भी और संविधान संशोधन के चैप्टर में भी. ये इनको मैं इसलिए ज्यादा हो रही क्योंकि ये सारी चीजें एज इट इज क्लास के अंदर लिखवाई गई है. अगर आप जरा देखें तो मैंने आपको कहा था कि शुरुआत में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार का इंटरप्रिटेशन ऐसे किया था कि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, इसलिए हम सार्वजनिक उद्देश्यों के कारण के लिए भी किसी की संपत्ति को ले नहीं सकते. और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फैसले देने शुरू कर दिए कि संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार होने के कारण हम किसी की संपत्ति ले नहीं सकते, तो नतीजा ये निकला कि सरकार के डेवलपमेंट के कामों में रोक आ गई. और जब इन कामों में रोक आ गई तो ऐसी स्थिति में पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो इसी स्थिति के कारण हुआ था, ताकि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रकार के जजमेंट से बचने का रास्ता निकाला जाए और एक 9वीं अनुसूची भी जोड़ी गई थी. तो आंसर क्या हो जाएगा? ए. 15वां क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता पॉलिटी के अंदर. द नेशनल, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि संवैधानिक है? सबसे पहला देखते हैं द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, पिछड़ा वर्ग आयोग, बिल्कुल संवैधानिक आयोग है, क्लासरूम के अंदर भी डिस्कस हुआ है. दूसरा देखते हैं द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नहीं है, मानवाधिकार आयोग नहीं है, ये एक संवैधानिक आयोग नहीं है, संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंदर इसका उल्लेख नहीं है. नेशनल लॉ कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन भी नहीं है, लॉ कमीशन का फॉर्मेशन भी सरकार करती है इसलिए वो भी नहीं है. द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, ये तो बिल्कुल ही नहीं है कि जो कंज्यूमर्स के साथ में डिस्प्यूट्स हो जाए उसको रिड्रेसल करने का कोई कमीशन बने. तो आपको 2, 3 और 4 नहीं देखने को मिलते हैं और पहला देखने को मिलता है, तो केवल 1 पेयर इसके लिए सेटिस्फाई होता है, ए आंसर होगा. एक और क्वेश्चन प्रेसिडेंट के इलेक्शन से देखिए. प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार बोलता आ रहा था, और प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट दोनों को मिलाकर 4 क्वेश्चन आपको मिले, यानी कि 8 नंबर. If the election of the President of India is declared void by the Supreme Court of India, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of President before the date of decision become invalid. क्या मतलब हुआ? अगर भारत का सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के चुनाव को null and void यानी कि अवैध ठहरा दे, तो राष्ट्रपति ने उस अवधि में, राष्ट्रपति रहने की अवधि में जितने काम किए होंगे वो invalid हो जाएंगे. ये गलत है. राष्ट्रपति ने उस समय जितने भी काम किए होंगे वो वैलिड रहेंगे. इस आधार पर उन कामों को इनवैलिड नहीं ठहराया जा सकता कि राष्ट्रपति का चुनाव ही इनवैलिड ठहरा दिया गया. तो पहला स्टेटमेंट गलत है. इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन डिसॉल्वड एंड इलेक्शंस आर येट टू टेक प्लेस. नहीं किया जा सकता. ये भी क्लासरूम के अंदर बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव अपने टाइम पर होगा, इस आधार पर उसको नहीं टाला जा सकता कि कुछ सीटें खाली है विधानसभा में. तो दूसरा भी गलत है. When a bill is presented to the President of India, the Constitution prescribes the time limit within which he or she has to declare his or her assent. ये भी नहीं है. पॉकेट वीटो का कॉन्सेप्ट यहाँ से जनरेट हुआ था कि यानी जेल सिंह ने लंबा समय ले लिया, उस पर कोई निर्णय नहीं लिया. राष्ट्रपति के लिए कोई भी टाइम पीरियड नहीं है. राष्ट्रपति के लिए
कोई भी टाइम पीरियड नहीं है जो कि इस चीज को बताए कि किस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो कितने समय में बिल पर हस्ताक्षर करेगा। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा, डी यानी कि नन। मेरे ख्याल से क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं सारे। थैंक यू सो मच, थैंक्स। Yes, good evening online students, please confirm whether audio video slide is clear. Yes, please confirm whether you are whether the audio is fine or not, क्योंकि रात बहुत हो गई है, अब हम सेशन को जो है जल्दी से ख़त्म करेंगे, ठीक है। यस ओके, आप ही की वेट कर रहे थे, वेलकम। यस गुड इवनिंग राहुल, ऑल क्लियर। चलिए तो हम जो है सेशन स्टार्ट करते हैं। तो मुलुका ईयर्स में जो है बेसिकली आई थिंक जो स्टूडेंट्स हैं, क्लास स्टूडेंट्स हैं, उनको तो पता ही है। तो जो नए बच्चे हैं उनको बताना चाहूँगा कि इंग्लिश मीडियम में जो है पॉलिटी, गवर्नेंस एंड करंट अफेयर्स जो है मैं लेता हूँ, ठीक है। तो हिंदी मीडियम में अमित सर लेते हैं, तो उन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस किए। तो हिंदी और इंग्लिश का कंटेंट जो है सेम ही रहता है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, पॉलिटी और सेक्ट्रा। तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने डिस्कस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं कर लेता हूँ आपके साथ डिस्कशन, ठीक है। तो हाँ, थोड़ी वॉइस इंक्रीज कर दो, ठीक है, थोड़ा मैं लाउडली बोलता हूँ। सो बेसिकली क्या है कि देखो, जो पेपर था आज का थोड़ा सा डिफिकल्ट तो था ही, नो डाउट अबाउट दैट। तो यूपीएससी जो है हर साल अपना डिफ़िकल्टी का लेवल बढ़ाती जा रही है। कुछ अटपटे से क्वेश्चन भी थे, ठीक है, कुछ आउट ऑफ वर्ल्ड क्वेश्चन भी पूछ रहे थे यूपीएससी, किसी को खबर नहीं लगती कहाँ से पूछ ली। लेकिन वहाँ से कट ऑफ डिसाइड नहीं होती कभी भी, कट ऑफ तो वहाँ से डिसाइड करी होगी जो हम पढ़ के गए थे, ठीक है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको अगर आपने थोरोली किया है तो हमेशा जो है आपके कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर आएंगे। पिछले साल कट ऑफ सपोज 88 गई थी, इस साल जो है मान लीजिए 80 चली जाती है कट ऑफ। तो अगर आपने स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स को थोरोली किया है, ठीक है, तो 100 प्लस मार्क्स अभी भी आ जाएंगे आपके। बट बात यह है कि वो थोरोली करने में भी जो है बहुत मेहनत लगती है, बहुत, मतलब हमारी भी मेहनत लगती है क्लास में करवाने में, बच्चों की भी लगती है, चार चार पाँच पाँच बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके जो है एग्ज़ाम में जाके वो चीज़ें रिप्रोड्यूस होती हैं। लेकिन हमारे हाथ में तो देखो मेहनत ही है, यूपीएससी का तो काम ही है कि वो जो है शॉक्स एंड सरप्राइज दे, प्रेशर डाले, लेकिन हम जो है अपनी मेहनत के दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट मच अडू आई थिंक हमें डिस्कस करने चाहिए वट एवर क्वेश्चन डेट हैज़ बीन आस्क फ्रॉम करंट अफेयर्स एंड पॉलिटी। तो पहले जैसे ये प्रिजन वाला क्वेश्चन है, वो काइंड ऑफ पॉलिटी में बताया हुआ है कि प्रिजन एक्ट 1894 के थ्रू जो है बेसिकली रेगुलेट किया जाता है। प्रिजन जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है, और ब्रिटिशर्स के टाइम से ही जो है वो स्टेट सब्जेक्ट रहा है। तो देखो प्रिजन्स के बारे में स्टेट सब्जेक्ट पता है आपको, सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हमने पढ़ा था। तो पहली स्टेटमेंट तो आप इजीली मार्क कर ही सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट ही रूल्स बनाएगी। 1894 का एक्ट जो है वो एक्सप्रेसिवली कहता ही है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है, वही प्रिजन्स को मैनेज करेंगी, उसी को हमने कंटिन्यू किया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। करंट अफेयर में भी हमने प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन्स के बारे में एंड सो ऑन। सो देयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट प्रिजन एक्ट 1894 और करंट अफेयर में सेंट्रल स्टेट रिलेशन में आपको बताया गया था। सर आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, एक मिनट में अपनी टीम को बुलाता हूँ, वो फिर इसको रेक्टिफाई करेंगे। विक्की, विक्की कहाँ गए?
उनको बुलाना, कहते हैं वॉइस कम आ रही है बच्चों को। चलिए सेकंड जो है क्वेश्चन आया कि कौन इनमें से जो है टूल बना सकता है टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल इन अ ट्री। देखो आंसर इज ऑरंगटन। तो हमने देखो सीधा क्वेश्चन पढ़ा था ऑरंगटन्स के बारे में, ये देखो करंट अफेयर्स में सीधा क्वेश्चन आया ऑरंगटन्स के बारे में, तो डिटेल में डिस्कस हुआ था हु आर ऑरंगटन्स। तो अगर आपको ये भी पता ना कि ऑरंगटन कौन है, देखो बंदर है ऑरंगटन, ठीक है चिंपैंजी है, बाकी देखो फिशिंग कैट है, ऑटर है, स्लोथ बियर है, इनके पास तो हाथ ही नहीं है कि उसके थ्रू कोई टूल बना सके और पेड़ को जो है खरोंच सके, वहां से जो है इंसेक्ट्स को बाहर निकाल सके। तो ऐसा कोई औजार जो है कौन बना सकता है, ऑरंगटन बना सकता है, ऑरंगटन बना सकता है, तो इसलिए आंसर ऑरंगटन ही आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कार्बन मार्केट्स के क्वेश्चन आ गया, ये देखो कार्बन मार्केट्स पे सीधा क्लास में डिस्कशन हुई थी, दो बार हुई थी, ठीक है सीधा क्वेश्चन जो है वहीं से लिया गया है। फिर पूछा गया नेग्रोनो कारकबक रीजन के बारे में, ये देखो इंडिया आर्मेनिया रिलेशंस पढ़े थे, वहाँ पे नेग्रोनो कारकबक कॉन्फ्लिक्ट पड़ा था। तो बेसिकली ये नेग्रोनो कारकबक जो है आर्मेनिया में है, ठीक है, तो लेकिन ऑप्शन में दिया मोजम्बिक, आर्मेनिया अजरबैजान में दी दिया नॉर्थ कीवी उत्तरी, तो यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गए, वहीं से जो आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। ऊपर से जब इसराइल क्राइसिस पड़ा था तब आप पढ़ सकते हो कि खेरासन ये सब एरिया जो है इसराइल में नहीं पड़ते, तो ये इसलिए आंसर आप इजीली डी नन मार्क कर सकते हो। इसराइल हैज एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद अरब स्टेट्स, ठीक है, तो आप सीधा क्वेश्चन, और किसने मेडिएट किया, सऊदी अरेबिया ने, तो देखो पहली स्टेट में सही है दूसरी गलत है। ये देखो I2U2 सबमिट की थी इंडिया इसराइल यूएई एंड यूएसए, तो यूएई और इंडिया के बीच, यूएई और इसराइल के बीच में रिलेशनशिप रिस्टोर हुए हैं, एंड इसराइल और सूडान के बीच में रिलेशनशिप रिस्टोर हुए हैं, उसको मेडिएट कौन कर रहा है, यूएई। इनडायरेक्टली सऊदी अरेबिया इन्वॉल्व था, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये पूरा जो है एक्सप्लेन किया गया था क्लास में कि हाउ जो है यूएस मिडल ईस्ट से अपने आप को विड्रॉ करना चाहता है, इसलिए जो है गल्फ कंट्रीज के बीच में, अरब कंट्रीज के बीच में और इसराइल के बीच में दोस्ती करवा रहा है, तो वो चीज़ें जो है हमने क्लास में सीधा डिस्कस की थी। उसके बाद स्पोर्ट्स अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये देखो स्पोर्ट्स जब हमने डिस्कस किया था तब जो है अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न, ध्यानचंद अवार्ड एक्सेट्रा हमने डिस्कस किया था, ठीक है, अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन। उसके बाद चेस ओलंपियाड, ये देखो मोदी जी जो है चेस ओलंपियाड को जो है इनॉग्रेट करने चेन्नई गए थे, डेट्स वाई इट वाज इन न्यूज़, और हमने जो है पूरा स्पोर्ट्स सेक्टर उस वक्त डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये दो कप तो डिस्कस नहीं हुए थे, टू बी ऑनेस्ट मैं आपको सच्चाई से बता रहा हूँ कि ट्रॉफी उस वक्त कौन सी थी, ठीक है, लेकिन ये जो दोनों चीज़ें जरूर डिस्कस हुई थी कि फर्स्ट चेस ओलंपियाड जो है इंडिया में हेल्ड किया जा रहा है और मैस्कॉट का नाम जो है थम्बी है, ठीक है, ये तो डिस्कस हुआ था। और इसमें जो है बेसिकली थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंटेलिजेंट गेसिंग करनी पड़ेगी कि ट्रॉफी जो है वो वीरा मेंचिक कप नाम है, हैमिल्टन रसेल कप है। अब देखो देखो जो यहाँ पे कह रहे हैं कि वीमेन कैटेगरी में, यहाँ पे देखो नाम जो है कोई मेल का आ रहा है हैमिल्टन रसेल, और यहाँ पे कुछ नाम आ रहा है वीरा मेंचिक का, तो आप वहीं से जो है थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि शायद यूपीएससी ने स्टेटमेंट पलट ना दी हो, है ना, तो इसीलिए जो है दोनों स्टेटमेंट क्या हुई गलत। तो इस तरीके से थोड़ी सी इंटेलिजेंट गेसिंग यहाँ पे करनी थी, अदरवाइज आंसर इजीली आपका सॉल्व हो जाता। उसके बाद यमन क्राइसिस हमने डिटेल में डिस्कस किया था, इथोपिया में जो है क्राइसिस डिस्कस किया था, सीरिया में जो क्राइसिस है वो डिस्कस किया था, तो आप देख सकते हो। उसके बाद यूक्रेन में क्राइसिस डिस्कस किया था, और डोनबस रीजन कहाँ पे है, यूक्रेन में है, डेट्स वाई आंसर इज, आंसर जो है आप यहाँ से भी इजिली निकाल सकते हो। तो ये देखो डोनबस रीजन, वहाँ पर जो है रशियन अग्रेशन हुआ था एंड सो ऑन, ठीक है। तो यूक्रेन क्राइसिस जो हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया था, एंड देयर वी हैव डिस्कस अबाउट डोनबस रीजन, ठीक है, क्लियर कट जो है क्लास में से आया है। छैड गुनिया माली एंड सूडान में क्या चल रहे हैं, कूप्स वगैरह चल रहे हैं, वो हमने क्लास में डिस्कस किया था अभी, उसकी जो है आपको यूट्यूब में वीडियो भी मिल जाएगी, जो हमने क्लास में डिस्कस किया था उसकी वीडियो जो है आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। अगर आप सर्च करोगे सूडान क्राइसिस मेरे नाम से सर्च करोगे, मुल्क का इसके चैनल के नाम से सर्च करोगे, तो आपको यूट्यूब पर भी वीडियो मिल जाएगी सूडान क्राइसिस को जो है पूरा जो है। इनफैक्ट मैं बताऊँ कि आई थिंक अप्रैल के लास्ट वीक में डिस्कस किया है, ठीक है, तो वहाँ से देखो सीधा क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद ग्रीन हाइड्रोजन पे पूछा है, स्टील प्लांट्स, ऑयल रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट्स, पूरी डिटेल में मैंने क्लास में डिस्कस किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो हाइड्रोजन फ्यूल सीधा क्वेश्चन आया है सीधा, ये देखो ग्रीन हाइड्रोजन सब कुछ डिस्कस किया था, स्टील इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, रिफाइनरी इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, देखो सीधा लिखा हुआ है, डायरेक्ट अगेन सीधा क्वेश्चन फ्रॉम द क्लास।
ठीक है, उसके बाद जी ट्वेंटी इंडिया में हो रही है, तो अगेन वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल, कल कई बार डिस्कस की G20 है। देखो सीधा क्वेश्चन आया है कि सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहले मीटिंग हुआ करती थी, बाद में प्राइम मिनिस्टर ऐड कर दिए, पहले G7 हुआ करता था, फिर G8 हुआ, फिर G20 हुआ, वो सब हमने डिस्कस किया। क्यों G20 कंस्टिट्यूट की थी, 2009 में फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, उसके बाद जो है G20 कंस्टिट्यूट की गई थी। सीधा क्वेश्चन जो है यहाँ से आ रहा है, ये देखो G20 जो है कैसे इवॉल्व हुई। ठीक है, पहले जो है मीटिंग थी फाइनेंस मिनिस्टर ने सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, बाद में उसको एलिवेट कर दिया गया टू दी हेड ऑफ स्टेट समिट। सीधा क्वेश्चन है, सीधा यहाँ देखो। उसके बाद जो है 7 अगस्त डिक्लेयर किया गया नेशनल हैंडलूम को, क्यों किया गया, देखो हैंडलूम इंडस्ट्री, सीधा क्वेश्चन, स्वदेशी मूवमेंट 7 अगस्त 1905, इसीलिए नेशनल हैंडलूम डे जो है बनाया जा रहा है। तो 7 अगस्त को ये न्यूज़ थी कि नेशनल हैंडलूम डू नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया गया, तो उसी हफ्ते जो है हमने क्लास में ये करंट अफेयर डिस्कस की। ठीक है, तो सीधा अगेन क्वेश्चन आया फ्रॉम द क्लास। ठीक है, उसके बाद स्विट्जरलैंड जो है वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ द गोल्ड है, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ये देखो RBI गोल्ड रिजर्व्स, वैसे मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं कि ये इसी महीने डिस्कस किया था, मई के महीने में मैंने क्लास में। ठीक है, तो UPSC ने अब इतना लेटेस्ट क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि RBI जो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है, सॉवरेन गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा रही है। और अगर अभी क्लास के बच्चे बैठे हैं तो आई हैव डिस्कस की सबसे ज़्यादा गोल्ड रिजर्व जो है USA के पास है, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद फ्रांस, जर्मनी, UK एटसेट्रा। तो क्लास में अभी इसी महीने डिस्कस किया था मैंने, अगर बच्चे मौजूद हैं तो वो खुद ही कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो उस दौरान जो है गोल्ड कैसे जो है इकोनॉमी में रोल प्ले करता है, स्टरलाइजेशन कैसे करती है RBI, वो भी मैंने क्लास में डिस्कस किया था, वो चलो ठीक है कि स्टरलाइजेशन इकोनॉमी का स्टैटिक पार्ट भी है, बट करंट फिर में भी वो चीज़ें डिस्कस होती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है कि थोड़ी सी कॉमन सेंस भी लगानी है, यहाँ पे देखा लिखा हुआ कि नन ऑफ देम यूजेस सी वाटर, यार कोई तो पावर प्लांट होगा जो सी वाटर यूज करता हुआ है, कोई भी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, अरे कोई तो थर्मल पावर प्लांट जो है देश के किसी ना किसी वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट में लगा ही होगा। नन ऑफ देम इज प्राइवेटली ओन्ड, अरे कोई तो थर्मल पावर प्लांट जो है प्राइवेटली ओन्ड होगा, तो तीनों स्टेटमेंट क्या हुई, गलत हुई। ठीक है, तो कोल बेस्ड थर्मल प्लांट्स भी जो है मल्टीपल टाइम्स क्लास में डिस्कस हुआ था, आई थिंक स्क्रीनशॉट यहाँ पे रह गया, ठीक है, आई थिंक गलती से। उसके बाद जननी सुरक्षा योजना, ये देखो सीधा क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना के बारे में डिस्कस किया गया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को वो प्रमोट करती है। ठीक है, तो जब हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस किया था। अनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी, ये देखो सीधा क्वेश्चन, अनीमिया, यहाँ पे देखो अनीमिया मुक्त भारत पूरी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, मर्करी पोल्यूशन गोल्ड माइनिंग से होती है, कोल बेस्ड थर्मल प्लांट से हो सकती है। ठीक है, ये देखो मर्करी, मिनामाटा डिजीज, मर्करी पोल्यूशन ऑफ इंडिया, ये देखो ग्लोबली आर्टिशन एंड स्मॉल स्केल गोल्ड माइनिंग जो है लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मर्करी एमिशंस का रीजन है, फॉलोड बाय स्टेशनरी कंबशन ऑफ कोयल। सीधा क्वेश्चन डायरेक्ट, इससे ऊपर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद कैसे मर्करी जो है आपको अफेक्ट कर सकती है, उसके बारे में WHO की क्या रिपोर्ट है कि नर्वस डाइजेस्टिव इम्यून सिस्टम भी आपको इफेक्ट डाल सकती है, सीधा डिस्कस किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये बेसिकली गवर्नेंस की क्लास से आया है। ठीक है, ये देखो इवोल्यूशन ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे इवॉल्व हुए, SBI ने तो स्टार्ट किया ही नहीं, मैसूर रिसेटलमेंट डेवलपमेंट जैसी ने स्टार्ट किया था, उसके बाद सेवा ने स्टार्ट किया एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी ये कैसे रीजनल रूरल बैंक सपोर्ट करते हैं, लोन ले सकते हैं, सभी की गारंटी होती है सभी मेंबर्स की, ये सब क्लास में डिस्कस किया सब। ठीक है, उसके बाद जो है इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे दिया गया है, ये देखो क्लास में डिस्कस हुए, पॉलिटी की क्लास में आप देख सकते हो सभी स्टेट्स की जो है इलेक्शन में जो MLAs हैं उनकी वोट वैल्यू मैंने स्लाइड्स में बताई हुई है, पंजाब से लेके दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, पुडुचेरी, नागालैंड, ठीक है, सब दिया हुआ है यहाँ पे, सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली बताना चाहूँगा ईमानदारी से। ठीक है, तो वैसे तो देखो ये स्लाइड्स में हमने कंटेंट इसलिए डाला था ताकि बच्चों को समझा सकेंगे किस तरीके से जो है MLA की वोट काउंट होती है, किस तरीके से डिफरेंट स्टेट्स की MLA की वोट वैल्यू होती है, तो वो सब समझाने के लिए जो है यहाँ पे आपको बताया गया था। ठीक है, अब क्लास में तो देखो हम यही कहते हैं कि ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, क्लास में हम सीधा ही बताते हैं कि आपको कि भाई ये याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि UPSC यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनाएगी, लेकिन फिर भी UPSC ने बना दिया देखो इस साल।
यूपीएससी ने बना दी, अब तो मतलब ये हो गया कि फैकल्टी को कि वो कुछ बोले ना कि ये मत पढ़ो वो मत पढ़ो। लेकिन फिर भी देखो क्या होता है कि जब आपके सामने कंटेंट होता है, और मैं हमेशा क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि ठीक है याद मत करना, रटना मत, लेकिन एक दो बार जरूर पढ़ो, सबकॉन्शियस माइंड में जरूर रखो चीज़ों को, ठीक है। तो मैं हमेशा बच्चों को यही बोलता हूँ कि एक दो बार जो है इन फैक्ट्स को, इन ट्रेंड्स को, इन टेबल्स को जरूर पढ़ो, चीज़ों को दिमाग में रखो। जैसे मैं कहता हूँ कि स्पीकर जो है पहला स्पीकर याद रखो, और जो करंट स्पीकर है उनका नाम याद रखो, लेकिन जो बीच के स्पीकर्स हैं उनको भी एक बार पढ़ो, दो तीन बार पढ़ो उनके नाम को भी, ताकि वो सबकॉन्शियस माइंड में रहे। तो अब ये देखो सारे स्टेट्स के जो है MLAs की वोट वैल्यू क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वो सब तो देखो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट हम दो तीन बार पढ़ें ताकि वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में रहे। अगर इस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछ ले कि भैया मध्य प्रदेश के MLA की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी केरल से, या पुडुचेरी के MLA की वोट वैल्यू ज़्यादा होगी अरुणाचल से, तो उस तरीके के क्वेश्चन हम आंसर कर सकें। हमें एग्जैक्ट तो ना भी बताओ कि वोट वैल्यू क्या है, बट हमें कम से कम ये तो बताओ कि ट्रेंड क्या है, ठीक है, उस ट्रेंड के बेसिस पे आंसर कर सके, क्योंकि UPSC ज्यादातर ट्रेंड पे ही क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। तो ये देखो सीधा क्वेश्चन जो है फिर से अगेन क्लास नोट से आया है, ठीक है। उसके बाद और पॉलिटिकल क्वेश्चन देखोगे, जैसे आपके पूछा गया कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट को करने के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया गया था। बेसिकली बेसिक स्ट्रक्चर ही कहानी है, जब मैं पूरा डिटेल में समझाता हूँ कि क्यों फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, कैसे 9th शेड्यूल आया, कैसे जो है फंडामेंटल राइट्स ऑफ आर्टिकल 14 1931 जो है हमारे लैंड रिफॉर्म्स के लिए, या नेशनलाइजेशन ऑफ कंपनीज के लिए जो है हाइंड्रेंस बन रहे थे, तभी पंडित नेहरू जी लेके आए, उसके बाद इंदिरा जी ने उनको एक्सपेंड किया एंड सो ऑन, तो सब डिस्कस करते हैं, तो आंसर वहीं से है, ठीक है, तो वहीं से आंसर बनेगा। और बस बात यह है कि आपको जो है बेसिकली यहाँ पे नॉलेज को अप्लाई भी नहीं कहूँगा, बस अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी, जो आपने लेक्चर में समझा उसी को जो है उसी बेसिस पे आपको इसको आंसर करना होगा, अप्लाई भी नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि मतलब कुछ चीज समझी थी हमने जो है उसको एज ए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, नहीं, बस जो समझ है उसी के बेसिस पे आप आंसर कर दोगे, ठीक है, आपका जो है क्वेश्चन सही चला जाएगा। उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये देखो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन स्टैचुरी बॉडी है, सीधा क्लास नोट से, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, अगेन क्लास PPT में डिस्कस किया गया है कि 102 के साथ जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसको दे दिया गया 102 के थ्रू। उसके बाद हॉरिजॉन्टल टैक्स रिवॉल्यूशन 15 फाइनेंस कमीशन ने क्या दिया है, जब हमने फाइनेंस कमीशन चैप्टर किया था, ये देखो तब सारा कराया था कि 15 फाइनेंस कमीशन की कंपोजिशन क्या है, और उसने क्या रिकमेंडेशन दिया, वर्टिकल रिवॉल्यूशन के लिए क्या रिकमेंडेशन दिया, और हॉरिजॉन्टल के लिए क्या दिया। तो हॉरिजॉन्टल में उसने दी है जैसे डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, इनकम, पॉपुलेशन, फॉरेस्ट एरिया, सेक्टर के बेसिस पे रिकमेंडेशन दी है, तो यहाँ से सीधा आया। और मैंने कहा भी था कि 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन याद रखी है, इवन मैंने तो 14 तो 15 दोनों की करवाई थी, दोनों की कंपैरेटिव एनालिसिस कराया था, तो दोनों का याद रखने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। और वैसे तो देखो पॉलिटी से देखो लगभग आप कह सकते हो कि सभी क्लास से ही आया है, एक दो क्वेश्चन जो है थोड़े अप्लाइड बेस हो जाते हैं, जैसे प्रिजन्स वाला क्वेश्चन था थोड़ा अप्लाइड बेस हो गया, ठीक है। वैसे तो वो बताया था कि स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आता है, और थोड़ा सा आपको बस वहाँ पे थोड़ी सी अपनी एप्लीकेशन ऑफ माइंड करनी थी कि 1894 का जो एक्ट है प्रिजन्स एक्ट है, वहाँ पे भी जो है सब्जेक्ट प्रोविंशियली दिया गया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना था, ठीक है। और बाकी जो है करंट अफेयर से कुछ आप कह सकते हो कि 3-4 क्वेश्चन जो है अटपटे थे, आउट ऑफ वर्ल्ड से थे, वो तो देखो UPSC है, अब UPSC को तो आप बीट कर नहीं सकते, तो वो तो आएंगे ही, ठीक है। लेकिन जो मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन थे वो क्लासेस से ही थे, बस आपको बस क्लासेस को अगर किसी भी बच्चे ने जो है किसी बच्चे ने जो है सिंसियरली फॉलो की थी, तो उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं गया होगा इन द एग्जामिनेशन। सिंसियरली का मतलब ये है कि 4-5 बार रिवाइज की होगी, जिसने 4-5 बार रिवीजन की है उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो बात ये होती है कि मेहनत की होती है कि जब कंसिस्टेंटली जब इंसान क्लासेस में कंटेंट देता है, तभी जो है आप देखते हो कि क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। और जो मेरे से पढ़ते हैं बच्चे, उनको पता है कि मैं कभी छुट्टी नहीं लेता, ठीक है, बहुत रेयरली कभी मेरी छुट्टी होगी पिछले साल एक साल में, अगर वो मुझसे करंट अफेयर पढ़ के गए हैं या पॉलिटी पढ़ के गए हैं। टाइम बाउंड मैनर में मैं सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ, टाइम बाउंड मैनर में जो है करंट अफेयर कवर कराता हूँ, तो उसी का रिजल्ट होता है कि फिर वो पेपर में भी दिखता है, ठीक है। तो आप जो है अगर मुल्का ये में शामिल होते हो, हमारी फैमिली का पार्ट बनते हो, तो मैं तो बस आपको यही कहूँगा कि अगर इस इंस्टीट्यूट में आता हूँ तो इस इंस्टीट्यूट में अगर आप आते हो तो एक बात ध्यान में रख के आना कि आपको यहाँ पे मेहनत बहुत करनी पड़ेगी।
मेहनत सही डायरेक्शन में कराना, मेहनत सही तरीके से कराना, मेहनत को जो है वेस्ट ना जाने देना, और मेहनत को जो है जितनी जरूरत है उतनी ही करवाना, वो हमारा काम है। लेकिन ये तो मत सोचना कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत तो देखो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोचते हो बस यहाँ आएंगे मस्ती काटेंगे इंस्टीट्यूट ही जो है आपका सिलेक्शन करा देगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो कमिटमेंट वो ये है कि हम सिलेबस को थोरोली कवर कराएंगे, चाहे वो करंट अफेयर का हो या स्टैटिक का हो, जिससे जो है आपकी प्रिपरेशन जो है ईजी सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए जो है आप बस ट्रस्ट रखिए और अपने आप को कमिट करिए टू दिस एग्जामिनेशन। और सबसे बड़ी बात ये है कि कमिटमेंट करिए कि अगले साल आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है। तो उसी लिए जो है हमारी जो स्टैटिक करंट अफेयर की क्लासेस चलती हैं उसको सिंसियरली फॉलो करिए और आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा, जरूर ही रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपका और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मेरी क्लासेस से आए हैं करंट अफेयर की, पॉलिटी की एक्सेट्रा, वो जो है बाकी टीचर्स ने डिस्कस कर लिया आपके साथ। ठीक है, तो उसको रिपीट करने का कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊंगी अगर आपने सिर्फ मेरी ही क्लासेस कवर कर ली होती तो 50 प्लस क्वेश्चंस जो है आप इजीली एग्जामिनेशन के अंदर आंसर कर पाते, 50 प्लस। आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर एंड करंट अफेयर्स जो कि सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ, उसी से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता। ठीक है, तो बात वही है, मेहनत की है, हमारी तरफ से मेहनत लगती है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ जो है सिंसियरली मेहनत करोगे। ठीक है, तो आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए आपके साथ विद प्रूफ, और बात वही है कि जो शिद्दत से मेहनत करता है उसके लिए कभी पेपर टफ नहीं होता, और जो आधी अधूरी तैयारी करके जाता है हमेशा उसके लिए पेपर टफ होगा। जब पेपर यूपीएससी ईजी बनाए डिफिकल्ट बनाए उसके लिए तो टफ ही है, जो जिसने सिंसियरली तैयारी की होती है उसके लिए कभी पेपर मुश्किल नहीं होता। ठीक है, वो हमेशा कट ऑफ से 20 नंबर ऊपर ले जाएगा। चलिए, तो जो ये स्लाइड है उसका जो है हमने एक लिंक भी क्रिएट कर दिया, आप खुद चेक कर सकते हो। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से आया है। ठीक है, ये स्लाइड का जो प्रूफ स्लाइड हमने बनाई है उसी में टाइम लग जाता है, इसलिए सेशन लेट स्टार्ट हुआ था। आप सोच रहे होंगे कि 5:30 का टाइम दे दिया था तो 8 बजे सेशन क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि देखो फिर क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में टाइम लगता है, स्क्रीनशॉट लेना, फिर उसको जो है फाइल में तैयार करना, डिफरेंट टीचर के साथ कोऑर्डिनेशन करना एक्सेट्रा, उसमें टाइम लग जाता है। दैट्स वाई जो है 8 बजे सेशन स्टार्ट हुआ। बट बात यह है कि जो हमने स्लाइड बनाई है उसको आप खुद देख सकते हो, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको हम पे विश्वास होगा, आप हम पे विश्वास करोगे तो आप अपने आप को कमिट करोगे, अपने आप को कमिट करोगे तो हमें भी मज़ा आएगा आपको पढ़ाने में, समझाने में, आपकी तैयारी कराने में। और जब आपका और हमारा दोनों का सिंक्रोनाइजेशन बैठेगा, ठीक है, तभी जो है रिजल्ट आएगा, और तभी रिजल्ट आता भी है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। सो आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी लर्निंग, अ वेरी गुड लक, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। यस सर, करंट अफेयर्स टू सेम क्लास वाला ही था। हाँ बिल्कुल गुरुप्रीत, तो आप तो क्लास के स्टूडेंट ही हो तो यू नो इट वेल। ठीक है, बस बात जो है अगेन आई एम रिपीटिंग, सिंसियरिटी, ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट की हो जाती है। ठीक है, हिंदी मीडियम में भी बैच है क्या सर? हाँ, हिंदी मीडियम में भी सेम बैच है। देखो जो इंग्लिश में कंटेंट होता है उसी को ट्रांसलेट करके हम हिंदी को हिंदी में देते हैं। ठीक है, तो कंटेंट सेम रहता है लेकिन हिंदी के अलग टीचर्स हैं जो हिंदी की भाषा को जानते हैं, समझते हैं, हिंदी में ही बच्चों के साथ संवाद करते हैं और हिंदी में ही उनको समझाते हैं। ठीक है, तो हिंदी के लिए अलग बैच है, इंग्लिश के लिए अलग बैच है, आप देख सकते हो और उससे जो है आपको जरूर ही फायदा होगा। ठीक है, बीपीएससी पाठशाला लगता है तुम्हारी कोचिंग वालों को पेपर की हवा नहीं? ठीक है, फिर तो सब यूपीएससी वाले आपके यहाँ से ही सिलेक्ट होते होंगे। देखो सिलेक्शन जो है वो बच्चा ही लगता है, अगर बच्चा साथ साथ मेहनत नहीं करेगा तो सिलेक्शन कैसे आएगा, आप खुद ही सोच सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी प्रूफ के तौर पे, आप देख सकते हो खुद। ठीक है, चलिए, क्लास नोट्स और क्रैश कोर्स का जो कंटेंट था वो सेम ही था। ठीक है, चलिए,
यहाँ स्टूडेंट 1000 होते हैं, लेकिन बात ये होती है कि बेटा जो मेहनत करेगा उसका होगा ना। अब घर जाके कोई बच्चा पढ़ेगा नहीं तो उसमें तो नहीं कोई गलती होती, लेकिन हो जाता है बच्चे का, किसी का पहले अटैम्प्ट में, किसी का दूसरे का, किसी का तीसरे में। इसलिए तो यूपीएससी ने आपको 6 अटैम्प्ट दिए हैं। उसको भी पता है कि कई बार अच्छा बच्चा जो होता है पहले अटैम्प्ट में नहीं निकल पाता, क्योंकि उससे थोड़े और अच्छे बच्चे निकल जाते हैं। इसलिए यूपीएससी कहती है कि दूसरे अटैम्प्ट में निकल जाओ, तीसरे अटैम्प्ट में निकल जाओ, चौथे अटैम्प्ट में निकल जाओ। ठीक है, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विश यू ऑल